हेलो जनाब नमस्कार योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा बहुत स्वागत करते हैं आज क्लास में मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से आपके इलेवेंथ के एग्जाम के सपनों में बाधा ना आए और आप ट्वेल्थ में हंसी खुशी बिना किसी प्रेशर के पहुंच जाएं इसके लिए एक फिर से एक जबरदस्त महामैराथन का प्रबंध किया गया है मुझे उम्मीद है आप इस महामैराथन का पूरा उपयोग करेंगे और आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के महत्वपूर्ण जवाब देकर अपने आप को इलेवंथ में स्ट्रांग बनाएंगे ताकि अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली क्लास ट्वेल्थ की आपकी जो तैयारी है उसमें कोई विघ्न या बाधा ना आए तो सभी बच्चे को आज फिर से आज के शाम की शुभ शुभकामनाएं बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है आपको इसलिए अपने सभी दोस्तों से मित्रों से सभी को शेयर करिए और बताइए कि सेशन बहुत जरूरी है और इसमें हम करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ के संपूर्ण किताब पूरा का पूरा बायोलॉजी चैप्टर वन से लेकर चैप्टर ट्वेंटी टू तक के लगभग पूरे पूरे क्वेश्चन गुड इवनिंग कैसे आप सभी लोग उम्मीद है आपकी क्लास इलेवेंथ अंत में बढ़िया चल रहा होगा और ट्वेल्थ की तैयारी आप शुरू करने की सोच लिया होगा आप लोगों ने शेयर जरूर करिएगा याद रखिएगा बिना 400 बच्चों के मैं आज ये सेशन स्टार्ट भी नहीं करूंगा सो इसलिए शेयर अपने सभी दोस्तों से बता भी दीजिएगा ठीक है तो अपने सभी दोस्तों से सारे पॉइंट पे जितनी भी चीजें हैं वो बताइए कि भाई साहब क्लास इलेवंथ में बिना आप एक बड़ी चीज नहीं कर सकते ही आता है बिना इसे पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते जो भी बच्चे इलेवंथ में है या फिर जो बच्चे नीट में हैं उनके लिए भी यह सेशन एक बहुत जबरदस्त सेशन हो सकता है ठीक है so 12th वाले बच्चे जो हैं वो यहां पर ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं वो भी अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी चाह रहे हैं या फिर कोई नीट वाला बच्चा है जो हमसे पढ़ रहा था अभी लास्ट टाइम तक अभी बोर्ड की तैयारी के चक्कर में नहीं कर पा रहा है वो भी इस सेशन को बिल्कुल देख सकता है तो इसलिए यहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा बिल्कुल तो आज पूरी एनसीआरटी का निचोड़ है पूरे एनसीआरटी के सबसे जबरदस्त प्रश्न है बोर्ड और नीट में पूछे गए अब तक के सबसे बेहतरीन सवाल है आप हैं मैं हूं और मिलकर आज का एक जबरदस्त सेशन है तो शेयर कर दिया So तैयार हैं आप सभी लोग स्टार्ट कर दें आज के इस क्वेश्चन आंसर के सेशन स्टार्ट कर दें सर हम आ, हम गरीब आप हम गरीब लोग अरे यार गरीब तो मैं ही हूं क्या ही यार मैसे ज्यादा गरीब कौन है इस दुनिया में पढ़ा तो रहा हूं यूट्यूब पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जबरदस्त काई टेंशन ले रहे हो आके तुम्हारी इलेवंथ की तैयारी हमने करवाई ना थोड़ा बहुत अब और चाहिए तो पेट कोर्स ले लो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है तैयार हो कि नहीं पहले ये बताओ सारी कोई जरूरत नहीं है भाई जितना हम आपको पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए आपको बोर्ड में एकदम जबरदस्त नंबर मिलने वाले इलेवंथ अंतिम पे है और वादा किया गया था कि ट्वेल्थ स्टार्ट होने से पहले आपको इलेवेंथ में बूस्ट जरूर करेंगे और इलेवेंथ में एक जबरदस्त सेशन आपको जरूर देंगे तो उसकी तैयारी है आज से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर में आपको जो ट्वेल्थ पढ़ना है या फिर इलेवंथ भी पढ़ना है तो आप अपने सभी छोटे भाई बहनों से जो अभी पहली बार इलेवंथ में आ रहे हैं या फिर जो ट्वेल्थ में जा रहे हैं उन्हें बताइए कि एक अमेजिंग चैनल इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म डाउटनेट के द्वारा प्रोवाइड यह चैनल जिसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ट मेथड से पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको

ठीक है आपको मस्करी नहीं करनी है देखिए इसके अलावा आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका नाम है योगेश्वर बालाजी तो ये दो चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है यदि आपको मेरा बोलना बात करना पढ़ाना पसंद आता है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा तभी आप नेक्स्ट ईयर की जो भी सेशंस होंगे जो ट्वेल्थ के सेशन आप लोग देख रहे होंगे इस चैनल पे अभी अभी तो हाल में आज ही तीस हजार सब्सक्राइबर हुए हैं और तीस हजार सब्सक्राइबर जो हैं वो ट्वेल्थ के बच्चे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट ईयर नीट की प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करवाएंगे तो उनकी जगह आप लेंगे तो जो आज इनके लिए सेट थ्री सेट फोर सेट फाइव सेट सिक्स ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं वो मैं तुम्हें भी वही सारी चीज करता करवाऊंगा तुम्हें भी शुरू से लेकर इतना बूस्ट मारेंगे कि अंत के समय पर तुम एक बहुत बेहतर स्टडी कर पाओगे ठीक है चलिए तो अर्चना जी ये देखिए आपके लिए कुछ अभी सेशन से स्टार्ट करते हैं तैयार हैं आप सभी लोग आपको कोई भी कोई भी सेशन चाहिए कोई भी चीजें चाहिए तो सारा का सारा आज के सेशन में मिलने हैं रेडी गाइस तैयार हैं आप सभी लोग शेयर कर दिया आप लोगों ने चलिए भाई तो ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर नंबर वन से वन से एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन कोशिश करेंगे कि कम से कम आज हमारे सौ क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए और एक लंबा सेशन चलेगा जो शायद आठ बजे तक चलेगा तो आप में से जितने लोग की उम्मीद अभी छूट रही हो ना वो अभी से ही जा सकते हैं जिसके अंदर क्षमता हो जिसके अंदर एक ताकत हो अंत तक टिकने की जिसके अंदर ताकत हो कि अपनी इच्छाओं को मारने की जिसके अंदर ताकत हो अपने आप को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म करने की वो बच्चा जो है ये कुछ करे अदरवाइज आपको जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता आप अभी जा सकते हैं चलिए फिर भी जितने बच्चों के पास उम्मीदें हैं जितने बच्चों के पास पढ़ने की चाहत है उन बच्चों से मैं बात करता हूं आगे बढ़ता हूं विटिकर ने प्रस्तावित किया था बेटा जी याद रखना जो अपनी इच्छाओं को मारता है जो कोशिशें करता है बस उसी को कुछ बेहतर चीजें मिल पाती हैं ठीक है पढ़ाई त्याग मांगती है और वो त्याग तुम्हें करना पड़ेगा पहला आंसर ने क्या प्रस्तावित किया था द्वि जगत वर्गीकरण चार जगत पांच जगत तीन डोमिनेंस वर्गीकरण को क्या कहती है जनता जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट टू फोर्टी फोर बच्चे वीडियो, आज की वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करना और पोल पे आंसर भी जरूर देना मैं पोल पे मैक्सिमम बच्चों के आंसर की उम्मीद करता हूं अगर आप देख रहे हैं तो आंसर जरूर करिए फटाफट फड़ करिए बहुत समय नहीं है अगर आप इतना लेट आंसर करेंगे तो हमें बहुत समय निकल जाएगा आप अपनी आदत बनाइए फटाफट आंसर करने की पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था आर एच विटेकर ने किया था तो भाई साहब विटेकर साहब ने पांच जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है अब पांच जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स के कितने जगत थे पांच जगत वर्गीकरण बने थे मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट पांच जगत बने थे इनमें से कितने जगत जो है वो प्रोकैरियोट के लिए थे और कितने जगत यूकैरियोट्स के लिए थे आपको इसका सही जवाब देना होगा बताइए क्या सबसे सर परफेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए सभी पांच जगत के लिए पांच में से केवल चार जगत जो है वो यूकैरियोट के थे या फिर तीन जगत यूकैरियोट के थे या केवल एक जगत यूकैरियोट का था यूकैरियोट्स में <coughs> बताइए यू जो थे उनके लिए हमारे पास कितने जगत थे क्या बात क्या है कर रही है जनता यहां पर जवाब दीजिए सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है चार जगत जो है वो यू के थे इनमें से आपका एक जगत प्रोटेस्टा था प्रोटेस्टा था इसके अलावा आपके पास में जो फंजाई था वो भी था इसके बाद आपके पास प्लांटी बाकी इसके अलावा जो सिर्फ मोनेरा था वो प्रोकैरियोट्स के लिए बनाया गया था इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है से कौन सा जीवित जीवों का विशिष्ट अभिलाषण गुण है आप मुझे जवाब बताएं जीवों का किसका विशिष्ट अविल गुण है मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे वही यूपी बिहार यही क्षेत्र के बच्चे होते हैं कारण क्या होता है पता है कि ये बच्चे बाकियों से बहुत पहले जाग जाते हैं ठीक है और जो बहुत पहले से जाग जाता है ना वो बहुत बढ़िया करता है तो इसलिए मेरा आवाहन है मेरी विनती है कि बेटा जो भी राजस्थान बोर्ड एमपी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड झारखंड बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हो तुम भी जागो तुम भी इस मुहिम में लग जाओ कि यार साल के शुरुआत होने से पहले ही अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एग्जाम होने के तुरंत बाद तो हम बहुत बेहतर कर जाएंगे जवाब बताइए कौन सा जीवों का विशिष्ट अभिलक्षणिक गुण है जो ये माना जा सकता है कि हां इस वजह से हम जीवों को जीव मान सकते हैं आपको पता है वृद्धि जो है ना वो निर्जीव वस्तु भी करता है निर्जीव वस्तु भी कभी कभी वृद्धि कर सकता है आवाज करने की क्षमता तो जानवरों में मतलब निर्जीव में होती होती है जनन तो हो सकता है बहुत सारे जीव जनन भी नहीं भी करते तो ये आंसर थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकता है बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया इस परफेक्ट आंसर और थर्टी टू परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया है और बाकी जो है वो कहां से टाप टाप के साल भर पड़े होगा कहां से पड़े हो बाकी सारे ऑप्शन बाकी जो बच्चे हैं वो जवाब देने की सोच ही नहीं रहे कि क्या आंसर है भाई साहब तीस परसेंट बच्चे सी कह रहे हैं भाई साहब जनन जो है ना अब एक बात बताओ एक इंसान सन्यासी है वो जनन नहीं कर रहा तो वो जिंदा ही नहीं है हैं एक बैल है मान लो उसका टेस्टिस ही नहीं है तो क्या वो जीव नहीं होता वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो क्या वो जिंदा नहीं है, है? तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा सी ऑप्शन होगा समझे क्या ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा बिल्कुल 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 सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए देखो बेटा अगर तुम अभी इलेवंथ पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है कि पहला इलेवंथ को पढ़ो और उसके बाद भूल जाओ ट्वेल्थ के अंत में पढ़ना और दूसरा ऑप्शन ये होता कि इलेवंथ में भी अच्छा पढ़ाई कर लो और इसी मोटिवेशन को ट्वेल्थ में लेकर भी जाना है और ट्वेल्थ की पढ़ाई बाकियों से पहले शुरू कर देनी है यही होता है टॉपर सीक्रेट टॉपर सीक्रेट जो मैं आपसे बता रहा हूं जो आपको टॉपर बनाएगा तो अगर आप कक्षा बारहवीं पे लेकर पहले से सीरियस हो तो आपको एक बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी चलने वाली है तो इसलिए इसी मोड को ध्यान पे रखते हुए बच्चों को हमने गिफ्ट किया है बाकियों से पहले सबसे बेहतर तैयारी देने का वादा किया है और इस वादे का नाम है उम्मीद इस वादे का नाम है उम्मीद और याद रखना उम्मीद बैच ये बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है या 20 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाली है उससे पहले अगर आप यूपी के हैं बिहार के हैं राजस्थान के एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ और लगभग सभी हिंदी मीडियम बोर्ड जिस भी जगह पे हिंदी मीडियम बोर्ड है उस हर जगह पे बच्चों के लिए हमने ये उम्मीद बैच लॉन्च की है ताकि आप शुरू करें बाकियों से पहले शुरू करें इस बैच का हर वो फीचर है बेटा जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी जरूरत जितनी भी हो सकती है उस जरूरत से दो गुना ज्यादा ही तुम्हें डिलीवर करेंगे हमारा तो पूरा सिद्धांत यही है कि तुम्हारी जितनी आवश्यकता उससे दस गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा याद रखना इलेवंथ के भी वन शॉट मिलेंगे तुम्हें से भूलना नहीं

ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ताकि तुम फ्यूचर की जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे नीट हो गया जेई हो गया उसकी भी तैयारी तुम अच्छे से कर पाओ बैकलॉग के लिए रिवीजन सीरीज भी चलाई जाएगी कि हर एक एक दो दो महीने में तुम्हें तुम्हारा बैकलॉग ना होने पाए इसलिए बार बार हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी वो तैयारी भी बढ़िया होती जाए वीकली इंटरेक्टिव सेशन एंड सेमिनार भी होंगे जहां पर तुम्हें बार बार ये बताया जाएगा कि जनाब ये ऐसा करना ये गाइडेंस है ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो साल का शुरुआत ऐसा करो बाद में ऐसा पढ़ो समझ में आ रही मेरी बात तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है तैयारी करने का और अगर आपको हम पे भरोसा है अगर आपको हमसे उम्मीदें हैं और हमको भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं तो ज्वाइन करिए उम्मीद बैच ये उम्मीद बैच कल तक तो वैसे चार हजार चार सौ निन्यानवे रुपए में हमने दिया था बट वो सौ बच्चों की जो नीड थी वो पूरी हो गई है सौ बच्चों ने उसे पहले से ही वो बैंडविथ पूरा भर दिया है वो हो गया है तो अब ये बैच आपको मिलेगी चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में अगर आपको कॉल करना है जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव 8250 पे कूपन कोड यूज करना उम्मीद बैच ऑफर 17 जनवरी तक है यानी कल तक आपको यह ऑफर मिलेगा तो कल तक से पहले आप इसे फटाफट फड़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर मिल जाएगा इसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट हैं तो आप उन्हें पढ़कर आप अपने लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं सो ऑल डन ये बैच सबसे जबरदस्त है आपके लिए ध्यान पे रखना कितने क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हमारे पास आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर फोर जब आप देते रहिए अगर आपकी आवश्यकता है तो मैं इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पेड कोर्स के बारे में अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है फिर तो ठीक है चलिए भाई जब आप बताइए विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में सम्मिलित क्या हो सकता है विटेकर साहब ने ग्रुप बनाया था मोनेरा समूह वो मोनेरा समूह किस चीज के लिए बना था क्या एक कोश की प्रो कैरियो के लिए बनाया गया था या स्लाइम एंड प्रोटोजोआ के लिए बनाया गया था या बहु कोश की तथा यू के लिए बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था ये विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में सम्मिलित कौन हो सकता है मोनेरा में यस 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 ये बोर्ड के लिए फिलहाल बेटा नीट के लिए बहुत जल्दी उसके लिए भी सेशन आएंगे और आपके वो बोर्ड के तुरंत बाद ही हम सेशन लेकर आएंगे और उसके लिए भी नए बैचेस आएंगे लेकिन फिलहाल अभी ये जो है बोर्ड के लिए सेशन है आंसर जवाब दीजिए गुड इवनिंग हो गया जनाब अब आंसर चाहिए आपका बताइए डेकर के अनुसार जगत मोनेरा में कौन सम्मिलित है एक कोश के यू करियोट प्रोकरियोट और स्लाइम मोल अप्रोडो जो है बहु कोश की तथा यू क्या कहा जनता ने बिल्कुल सही जवाब है जनाब मोनेरा में हमने सिर्फ प्रोकर लोगों को डाल रखा था और थोड़ा फटाफट -फड़ क्वेश्चन करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक थी जिसके ऊपर बताया गया था कि सिस्टमेटिक वर्ग की विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोगों का अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं वर्गीकरण करते हैं वह किसने बताया था लीनियस ने मेयर साहब ने जॉन या कौन से ने साइंटिस्ट जिन्होंने पुस्तक लिखी इस बुक को बहुत बड़ा बहुत प्यारा इंसाइक्लोपीडिया था तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जनाब यह जो सिस्टिमा नेचुरी है यह किसकी पुस्तक है साहब की मेयर साहब की जॉन रे साहब की डी कैंटोले साहब की ये क्लास इलेवन की क्लास है अयोध्या प्रसाद जी क्लास इलेवेंथ की क्लास है और वो बच्चे जो ट्वेल्थ में जाना चाह रहे हैं लेकिन इलेवंथ में कही न कहीं ना कहीं कमजोर हैं हम उनकी मदद करने के लिए यहां पर मैराथन टाइप की क्लास ला रहे हैं ताकि आप अच्छे से रीड कर सके जनाब बताइए जवाब सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर आता है बेटा अब इसके बाद सिक्स Premises, अब एक बात बताओ एक दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं एक दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं हैं इस प्रक्रिया से उसके सारे 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 बैक्टीरिया वायरस कंटामिनेट मटेरियल मर जाते हैं और दूध अब पांच से छह दिन या तीन दिन, दिन एटलीस्ट जो है रखने के काबिल बन जाता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पैकेट का दूध वगैरह बना सकती हैं वो पैकेट दो तीन चार दिन खराब नहीं होता। इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? क्या हम उसे रोगाणु नाशन प्रक्रिया कहेंगे? या फिर हम उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं? क्या हम उसे नाइट्री कहते हैं? या फिर हम उसे हिमी कहते हैं? Which one is a perfect method for this uh, statement? ये statement के लिए सबसे बेहतरीन method क्या हो सकता है? आप अगर आप नहीं जान सकते हैं अगर आप इसे नहीं जान सकते देखो बेटा बैच आएगा बैच साल भर रहेगा लेकिन जस्ट जब सही समय पे जब वो स्टार्ट हुआ है ना तब आप अगर बैच को लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू रहेगा उसका कोई मतलब रहेगा कुछ दिनों के बाद ये बैच स्टार्ट हो गया और आपके बैकलॉग जनरेट हो गए और या फिर और भी बहुत सारी परेशानी आप लेट होते चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा बैच आएगा बैच है अभी एक्टिवेट है चार पे नहीं मिलेगा तो किसी और प्राइस में मिलेगा लेकिन मिलेगा लेकिन मसला यह कि जब जो जिस चीज की वैल्यू है उस समय पर लिया जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उसका पाश्चुरीकरण बेटा आज के बाद तुमसे कोई पूछे तो जरूर बताना जिस बच्चे को ना पता उसे ही बताना कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे घर का दूध एक दिन में फट जाता है लेकिन वो पैकेट का दूध तीन चार दिन नहीं फट रहा है पाश्चुरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो दूध नहीं फटता है क्वेश्चन नंबर हम, हम बेटा आ रहे हैं सिक्स नंबर पे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है आपको पता है बहुत सारे जीव भी हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं उनमें से कौन से जीव हैं और क्या प्रक्रिया के द्वारा वो उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकरण जीवाणुओं के द्वारा वो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं या विनाइट्रीकरण के द्वारा बढ़ाते हैं या प्लाज्मा लेमा के द्वारा बढ़ाते हैं या कोशिका झिल्ली के द्वारा बढ़ाते हैं वो कौन सी परफेक्ट प्रक्रिया है वो कौन सी परफेक्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है जवाब दीजिए क्या सबसे सही जवाब है ठीक है जिसका भी डिस्ट्रॉय हो गया है उसी के डिस्ट्रॉय को फिर से एकदम मतलब क्रिएट करने के लिए यह बैच बनाया गया है तो भाई साहब उसे देख सकते हैं जवाब दीजिए नाइट्रोजन का स्थितिकरण करके ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ रहे हैं लल्ला निम्न में से किसकी उच्चतम पीएच होती है आप बताओ हमारे शरीर में ये पांच चार पांच केमिकल हैं इनमें से सबसे ज्यादा पीएच किसका होता है मानव लार का पीएच ज्यादा होगा कि मानव का रक्त का पीएच ज्यादा होगा या गैस्ट्रिक रस का पीएच ज्यादा होगा पेट में जो पाया जाता है अमाशय में गैस्ट्रिक रस या फिर मूत्र का पीएच ज्यादा होता है इस दुनिया में किसका पीएच सबसे ज्यादा होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्लीज अभी सिर्फ कमेंट आंसर पे देने की कोशिश करें कोई भी व्यर्थ की इधर-उधर की बातें ना करें ये आपके लिए हां 7 है ना ये कैसे 8 होगा अच्छा 6 फिर ये 7 ये 8 ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, निम्न निम में से किसकी उच्चतम पीएच होती है बताओ बताओ किसकी उच्चतम पीएच होती है क्या होगा जनाब मानव लार मानव रक्त गैस्ट्रिक देखो मूत्र का तो यार लगभग लगभग लग थोड़ा सा अम्लीय होता है तो इसे अपन 6.5 मानते हैं ठीक है लार का जो है 6.8 मानते हैं रक्त का जो है लगभग लगभग 7.12 मानते हैं और गैस्ट्रिक जूस का मानते हैं 1.2 तो एक से दो पीएच के आसपास में होता है तो सबसे ज्यादा उच्चतम पीएच पूछा है सबसे ज्यादा उच्चतम पीएच पूछा है किसका होगा तो मानव के रक्त का यह बात याद रखना यह थोड़ा अम्ली होता है ये और ज्यादा अम्ली होगा गैस्ट्रिक रस जो होता है सबसे ज्यादा अम्ली होगा पीएच सबसे ज्यादा जो है वो मानव के रक्त का होगा वो थोड़ा सा हल्का अम्लीय थोड़ा हल्का सा छारी होता है सबसे परफेक्ट आंसर इसका बी बनेगा सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं जनाब नीट वाले बच्चे भी इन प्रश्नों को जरूर देख सकते हैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होगा नीट वाले बच्चे जरूर इन प्रश्नों को देखें किसी सामान्य व्यक्ति में चिंता ग्रस्तता तथा साथ ही मसालेदार भोजन ग्रहण करने से क्या हो सकता है बताओ किसी सामान्य व्यक्ति में यदि चिंता हो रही है बहुत ज्यादा ग्रस्त है वो डिप्रेशन में है और साथ ही साथ में मसालेदार भोजन भी बहुत दबा दबा के खाए पड़ा है ठीक है तो बताओ उसको क्या बीमारी होगी दस्त लगने लग जाएगी उसको या फिर उल्टियां आने लग जाएंगी या फिर अपच हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन और या फिर पीलिया हो जाएगा जनाब क्या होगा उसको बताना देखो बेटा जिसकी भी है पढ़ाई चल रही है उम्मीद बैच ज्वाइन करना है वो उम्मीद बैच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहां पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट जवाब दो नौ ही क्वेश्चन हुए बाईस मिनट हो गए और भी बहुत सारे प्रश्न करने अभी बिल्कुल सही जवाब है अपच होने लग जाएगा मेरे भाई अपच बिल्कुल अब आगे क्वेश्चन नंबर दस की तरफ में जनाब लीबर क्वेन की दरारें किसमें पाई जाती हैं एक शब्द सुना होगा आपने लीबर क्वेन की दरार क्रिप्ट ऑफ लीबर क्वेन यह किधर पाया जाता है पित्ताशय में यकृत में अग्नाशय में आंतरिक भित्ति में किधर पाया जाता है लीबर क्वेंस की दरारें किसमें पाई जाती हैं पित्ताशय में यकृत में अग्नाशय में या आंतरी भित्ति में किधर हु किधर पाई जाती हैं जनाब लीबर क्वेंस की दरारें क्या कहा है आप लोगों ने अग्नाशय पे बिल्कुल नहीं अग्नाशय पे लीबर क्वेंस की दरारें क्यों पाई जाएंगी की भित्ति में, यकृत में या पित्ताशय में किधर कहती है जनता बिल्कुल अरे यार अग्नाशय में कहा की दरारें हमेशा आत की भित्ति पे होता है तो आंसर होगा फोर जिसे नहीं पता उसने कह दिया गलत सेवन बच्चों ने जवाब दिया है मात्र इतना और फोर्टी बच्चे कह रहे हैं यकृत अरे यकृत में कब से ऐसा बोन लग गए जनाब यकृत में सब कब से होने लग गया ये कौन सा तुक्का मार रहे हो तुम लोग इंटेस्टाइन पे होता है बिल्कुल इंदिरा देवी बिल्कुल सही जवाब है आपने जैसा नाम वैसा ही काम किया है बढ़िया आंतरिक सही जवाब होगा डी बाकी सब मार तुक्का सबसे कम परसेंट बच्चे डी ने कहा है तो याद रखो उसको ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ ग्यारह एक और प्रश्न बताओ ग्लिसेंस का संपुट ग्लिसेंस कैप्सूल सुना है नाम ये ये कहां पाया जाता है ग्लिसेंस कैप्सूल किसके पास प्रेजेंट होगा जनाब यकृत में होगा क्या लीवर में अग्नाशय यानी अग्नाशयोग में होगा फेफड़ों में होगा या फिर किडनी पे होगा कौन सी वो जगह होगी जहां पर आपका ग्लिस ग्लिस कौन सी जगह पर पाया जाएगा कौन सी जगह पर पाया जाएगा ग्लिस का संपुट किधर जवाब दिया बच्चों ने वृक कहा है कुछ बच्चों ने यकृत भी कहा है कुछ लोगों ने अग्नाशय भी कहा है और कुछ लोगों ने फेफड़ा भी कहा है लेकिन ज्यादातर बच्चों ने तुक्का ही मार रखा है और कुछ नहीं सच तो कुछ पता ही नहीं और जो भी आ रहे हो भाई साहब लाइक लाइक कर देना यार वीडियो को ये ठीक है कम से कम हजार लाइक आज हो जाना चाहिए पांच सौ लाइक के आसपास करके जाओ आज इसको बोलो ये गलत जवाब है जनाब वृक्क में नहीं होता आंसर होता है यकृत में यकृत यानी किडनी यकृत यानी लीवर यही है ना

ऐसा जवाब दोगे तो क्या शकल दिखाऊंगा अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जानी है मेरी तो फिर तुम लोग ऐसा जवाब दोगे तो भाई साहब अपनी नहीं मेरी इज्जत रख लो थोड़ा तो थो पढ़ लो समझे चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बारह पे गलत ना करियो इसको सही जवाब चाहिए मुझे जठर रस का पीएच कितना होता है जठर रस तुम्हारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उससे जो पीएच निकलता है वो कितना पीएच होता है दो चार छ आठ अब इसका तुक्का मत मारना इसका सही सही जवाब बताओ कि जठर रस का पीएच कितना होता है पढ़ाया हुआ सारी वीडियो यूट्यूब में पहले से प्रेजेंट है अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेना लेकिन आगे भी पढ़ा दूंगा मैं अब मुझे जवाब बताओ जठर रस का पीएच कितना होता है दो चार छ आठ भाई साहब देखो अब तुक्का भी नहीं मारोगे तो याद रखना आफर बस कल तक है सत्रह तारीख देखो अब इसे वन पॉइंट टू का हो या वन पॉइंट एट का हो इसको ठीक है, होता है इसका तो वन पॉइंट एट नियर अबाउट टू ही हो गया 1.8 नियर अबाउट ही हो गया ना जमा तो होने पर पीले रंग दिखाई देते हैं अब आपके शरीर को एक बीमारी हो गई है और वो बीमारी है कि त्वचा आंखें पित्त वर्णक के जमा होने से पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं तो वो उल्टी है पीलिया है अतिसार है या पेचिस है वो कौन सी बीमारी है भाई साहब कौन सी बीमारी है जिसमें बॉडी पूरा येल्लो येल्लो डट्टी फल्लो हो जाएगा बताओ कौन सी बीमारी है वो जिसमें लीवर डैमेज होगा और आपकी बॉडी पे जो है येल्लो येलो चीजें हो जाएंगी उल्टी अतिशार पेचिस जनाब ये तो सब ये फिर भी इसमें भी लोग पेचिस कह रहे हैं भाई उल्टी कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल सही जवाब है पीलिया पीलिया जॉन्डिस में येलो 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 सिम्टम्स आने लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बेटा 14 पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यह तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि बता ही देंगे कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है त्वचा तो अच्छा, यकृत अग्नाशय छोटी आत इसका मुझे एकदम परफेक्ट भरोसा है कि सारे बच्चे मुझे सही जवाब बताएंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है त्वचा तो अच्छा यकृत अग्नाशय या छोटियात कौन सी वो ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है हमारे शरीर में क्या कहती है जनता इसके बारे में और पोल उससे फटाफट मारा करो बिल्कुल लेट नहीं लगना चाहिए टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है लीवर यकृत यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है याद रखना सेकेंड लार्ज सेकेंड नंबर पे आपसे कभी पूछ दिया जाए तो बता देना अग्नाश है फर्स्ट नंबर पे यकृत अब आगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ एक विटामिन इसकी प्रकृति और इसकी कमी से होने वाले रोग का सही मिलान करो एक विटामिन है उसकी प्रकृति का क्या होता है वो उससे बीमारी कौन कौन सी होती है ये बताओ एक देखो विटामिन के है वो वशा में होता है वो में होता और उससे बेरी बेरी रोग होता है क्या तो पहला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया भाई विटामिन ए है वो वशा में विलय है और वो बेरी बेरी उससे भी रोग होता है ये भी बात गलत हो गई विटामिन के है जल में विलय होता है पहले ग्रह नामक रोग होता है विटामिन वशा में विलय है और रतौंधी नामक रोग होता है क्या ये बात सही है कौन सा तुक्का तुम्हारे हिसाब से सबसे सही है देखो बेटा विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है और ये ए, ए मतलब क्या बोलना चाहिए? विटामिन डी विटामिन के ये तीन जो है ना वो याद रखना वशा में विलय होते हैं तो इस हिसाब से जो है फोर्थ ऑप्शन सही है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक मतलब नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है और परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओके क्वेश्चन नंबर आ गया बिट्टा जी सोलह की तरफ में कुछ प्रोटीन अब एंजाइम इनमें से कौन सा है इनमें से तीन चार एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन का पाचन करते होंगे सरकरा औरकरा का नहीं सिर्फ प्रोटीन का जैसे ट्रिप्सिन एमाइलेज और पेप्सिन इसमें एमाइलेज जो है वो सरकरा का पाचन करता है ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं सही जवाब है ज लाइपेज और पेप्सिन यह वशा का पाचन करता है और यह जो है भाई साहब ये सरकरा का पाचन करेगा और यह जो है वो प्रोटीन का पाचन करेगा तो ये ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए पेप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और ये इसमें माल्टोज सरकरा है माल्टेज को पाचन करने वाला सरकरा है तो ये तीन ऑप्शन हो गए गलत सबसे सही आंसर कौन सा बनेगा थर्ड कि पेप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है सी 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 याद रखना इसमें एमाइलेज जो है वो भाई साहब एमाइलेज जो है ना ये सरकरा है लाइपेज जो पचाएगा वो वशा को पचाएगा तो ये जहां जहां मैंने गोला कर दिया वो रॉन्ग ऑप्शन है सबसे सही आंसर हो जाएगा सी आगे क्वेश्चन नंबर सत्रह में निम्नलिखित में से व्यवसायिक श्वसन विकार का उदाहरण बताओ इनमें से कौन सा ऐसा विकार या रोग है जो व्यवसायिक है जो किसी विशेष प्रकार के कार्य जैसे मैं टीचर हूं अगर मुझे कभी रोग होगा तो गले से संबंधित क्योंकि बहुत चिल्लाना पड़ता है हाथ का कंधे वाला रोग क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है अगर चौक से पढ़ा रहा होता तो पूरे शरीर में चौक चौक से संबंधित कोई रोग होता वैसे यहां पर भी है कि बताओ इनमें से कौन सा वो रोग है जो किसी व्यवसाय की वजह से होता वात स्पीति एम्फाइसीमा यह सिगरेट स्मोकिंग से होता है एंथ्रेसिस ये भी रोग नहीं है ये तो भाई जानवरों में होता है बॉटलिज्म तो फिर मतलब भाई मतलब वो क्या बोलते हैं शरीर की वृद्धि को रोकना है ये भी नहीं है सिलिका महता सिलिकोसिस बिल्कुल सही है सिलिका की इंडस्ट्री कांच की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जब कांच को घिसते हैं तो उसके बारीक बारीक पार्टिकल नाक के द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं यदि उनका मुंह ढका हुआ ना हो तो, तो ऐसे में सबसे खतरनाक बीमारी सिलिका मेहता कहते हैं उसको सिलिकोसिस कहते हैं इंग्लिश में यह वह बीमारी है जिसमें सिल्क आ, मतलब सिलिका सिलिका यानी कांच कांच के इंडस्ट्री में काम करने वाले जो रोगी हो, पेशेंट होते हैं बेचारे जो काम करने वाले होते हैं उनको यह खासकर बीमारी बहुत फैलती है ओके okay? अब आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पे करने के कारण प्रधानता उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन श्वसन विकार अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है सिगरेट पी रहा है तो उसे सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होगी एम्फाइसीमा अस्थमा श्वसन एसिडियोसिस या श्वसन एल्केलोसिस अगर मान लेते हैं कि कोई इंसान ज्यादा दीर्घकालिक अगर धूम्रपान कर रहा है लंबे समय तक धूम्रपान कर रहा है तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कौन सी परेशानी हो सकती है हाँ कल या परसों सेमिनार सेमिनार हो सकता है देखो जूम सेमिनार की सारी जानकारी आप प्राप्त करने के लिए क्लास इलेवंथ के लिए ट्वेल्थ के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैं जब भी कोई ज्वाइन कर मतलब कोई भी सेमिनार होता है उसकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम में मिल जाती है मुझसे जुड़ी हुई सारी पर्सनल जानकारी कब कौन सी क्लास आ रही है कब पैटर्न में बदलाव हुआ कब मैं क्या चेंज कर रहा हूं सुबह ले रहा हूं शाम ले रहा हूं दोपहर ले रहा हूं रात ले रहा हूं जो भी ले रहा हूं ये सारा बदलाव जो है वो टेलीग्राम में पता चल जाता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें बताओ धूम्रपान करने की वजह से कौन सा रोग होता है ना बेटा अस्थमा एलर्जी है अस्थमा एलर्जी है एक मिनट पहले पढ़ाया हुआ अभी मैं कि एम्फाई वो रोग है वात स्फी इसे अपन कहते हैं वात ये नीट का प्रश्न है बेटा कई बार पूछा गया है वात वो रोग है जो अगर कोई ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेगा तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे कम बच्चों ने यही जवाब दिया है वात स्फी ये बात पढ़िए एनसीआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए तुम्हारे बोर्ड में तुम्हारे नीट में हर जगह ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे एमफाइसीमा वो रोग है क्वेश्चन नंबर अठारह अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर उन्नीस पे भोजन और वायु के लिए कौन सा एक उभयनिष्ठ मार्ग आपको लगता है वायु और भोजन जब आप खाना खाते हो तो आपको पता है आपका खाना और आपकी हवा दोनों एक ही जगह से आगे बढ़ता है किसी एक कॉमन पाथवे में जाकर खुलता है अब जब वो किसी खास जगह पर जाकर खुलता है तो उस जगह का नाम क्या है जहां से खाना भी आगे बढ़ता है और आपका हवा भी पानी भी आगे बढ़ता है बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना अलग जगह जाता है वो मल बन के निकलता है फिर गले के पास से एक ऐसी कोई पाइप होगी जो मूत्र बन के जो है वो कहीं और मतलब पानी कहीं और जाता होगा फिर मेरे को लगता था मैं खाना और पानी तो एक साथ पी रहा हूं तो हो सकता है शायद एक जगह जाता हूँ और यह भी लगता था कि हवा किसी और जगह पर जाती लेकिन एट द एंड पता चला कि नहीं यार पानी और जो भोजन है वो एक तरफ जाता है और हवा जो एक तरफ जाती है समझ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न यहां पर आते रहते हैं आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि वो कौन सी जगह है जहां पर दोनों भोजन और वायु एक साथ एंटर करता है ग्रशिका तो भाई साहब भोजन के लिए जिम्मेदार है घाटी ढक्कन जो है घाटी जो है वो तो ग्लॉटिस है वो तो सिर्फ श्वसन के लिए जिम्मेदार है ग्रसनी वो पार्ट है ग्रसनी ट्रेकिया भी सिर्फ श्वसन के लिए जिम्मेदार है ठीक है ग्रसनी वो शब्द है याद रखना जिसे अपन फैरिंग्स कहते हैं क्या कहते हैं फैरिंग्स ये वो जगह है जहां पर हवा और पानी दोनों एक साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस पे आ गए बेटा अब एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने अणु का परिवहन करता है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन मान लो वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन ले जा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा होता है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने वाला जो, 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 जो मैकेनिज्म है हीमोग्लोबिन के कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है दो चार छह आठ कितना दो चार छह आठ कितने परिवहन करता है हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है सटीक जवाब देना तुक्का नहीं मारने का है ये बेटा क्लास इलेवेंथ के लिए है और नीट के लिए भी सोच सकते हैं आप ऐसा लेकिन अगर आपको ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करनी है तो उसकी क्लास अभी जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है हमारी उम्मीद बैच में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप बोर्ड के लिए गजब का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या बोली जनता बच्चा लोग चार अणु बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी जवाब दिया है वो कंठस जवाब दिया है और मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न है ना मैं कोई मलाईदार छोटे छोटे प्रश्न नहीं लाया हूं ये सारे नीट और बोर्ड के लेवल के प्रश्न है अगर तुमने इन प्रश्नों को बना लिया मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तुमने अच्छे से पढ़ाई की हुई है और तुम्हें एक बढ़िया चला जाएगा हवा हवा की जगह जानी चाहिए भोजन भोजन की जगह जाना चाहिए तो कोई तो ऐसा होगा ढक्कन पार्ट गेट दरवाजा जो जो है भोजन को भोजन में भेजता है और हवा को हवा में कौन है वो जिम्मेदार लैरिंग्स, ग्लॉटिस या इपिग्लॉटिस कौन सी है वो संरचना जहां से भोजन जो है वो श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं करता उसे कहते हैं बेटा इपिग्लॉटिस इपिग्लॉटिस का मतलब होता है घाटी ढक्कन इस एरिया का नाम होता है घाटी ढक्कन और ये वो जगह है जहां पर याद रखना श्वसन मार्ग में भोजन को प्रवेश करने से रोका जा सकता है अगर ये जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी अगर आप खाएंगे तो ढक्कन बंद नहीं हो पाएगा और कई बार आपका भोजन जो है वो फेफड़े में चला जाता है फिर जोर से खांसी आएगी और खांसी आके पूरा भोजन जो है नाक कान मुंह हर जगह से बाहर निकलता रहता है बाईसवा प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा फेफड़ों में जो है ना कुपिकाएं गुब्बारे नुमा संरचना वो बहुत ज्यादा पाई जाती है वह किसके लिए होती है बहुत अधिक संख्या में होती है क्यों आपके फेफड़े में गुब्बारे नुमा ऐसे बहुत सारे संरचनाएं बनी हुई रहेंगी और वो जो बनी हुई संरचना है उसका क्या फायदा है पूरा पाथवे पतला पतला लेकिन आखिरी भाग गुब्बारे जैसा है इसके पीछे क्या रीजन है आखिरी भाग गुब्बारे जैसा है क्यों फेफड़े में ऐसा क्यों होता है अंता श्वसन वायु का आयतन बढ़ाने के लिए अधिक स्थान पाने के लिए कुपिका गुब्बारे नुमा होती है या मिश्रण के लिए अधिक सतह मिल जाती है अंगों को स्पंजी बनाने के लिए या तंत्रिका वितरण बढ़ाने के लिए बताइए क्यों ऐसा गुब्बारे नुमा बनाया जाता है और उसके पीछे सही जवाब है कि डिफ्यूजन के लिए अधिक सतह प्राप्त करने के लिए ताकि अधिक से अधिक डिफ्यूजन हो सके और अंत शोषित वायु का आयतन बढ़ाने के लिए अधिक स्थान मिल सके नहीं भाई साहब मिश्रण के लिए अधिक सतह सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए श्रण के लिए अधिक सतह बनाने के ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट कर सकते याद रखना अंताश्सित वायु का आयतन बढ़ाने के लिए नहीं सबसे ज्यादा कार्यक्रम होता है कि यहीं पर वो जगह है जहां पे धमनी और शिरा पाया जाएगा और जब धमनी शिरा पाया जाएगा तो वहीं पे ट्रांसपोर्ट भी होता है ये वही जगह होती है जहां से ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर तेईस की तरफ दो स्तंभ दिए गए बेटा पूरे ब्लड के बारे में अब इन दोनों स्तंभ में चूज करो कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच कर रहा है तुम्हारे रक्त में खासकर तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन एल्ब्यूमेंस प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन ये तीन प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है इसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं फाज फाज प्रोटीन या जी कह सकते हैं गाफ प्रोटीन एफ का मतलब फाइब्रिनोजन ए का मतलब एल्ब्यूमिन जी का मतलब ग्लोबिलिन्स यहां पर इनके तीन कार्य दिए हुए हैं दोनों से मैच कराना और बताना है कि असल में वो काम क्या कर रहा है फाइब्रिनोजन का काम क्या है भाई साहब फाइब्रिनोजन का काम है रक्त का थक्का जमाना क्या जमाना रक्त का थक्का ग्लोबुलिन जो होता है मिनोग्लोबिन प्रतिरक्षा तंत्र देता है और एल्ब्यूमिन जो है पराशरण का नियंत्रण करता है क्या तुक्का मारा तुमने ए का हो गया सेकेंड बी का हो गया भाई साहब थर्ड और सी का हो गया फर्स्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मानना पड़ेगा 55 परसेंट बच्चों ने ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है और यह बात बिल्कुल सही है अब आ गए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ में उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिसकी संख्या में कमी के कारण स्कंदन विकार हो सकता है अगर आपको यह कोशिका खत्म हो जाए अगर यह कोशिका खत्म हो जाए तो आपका रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा अब ये सोचो ये बड़ी सी परेशानी कैसे हो सकती है जिसके फलस्वरूप शरीर में अत्याधिक रक्त की हानि हो जाएगी मतलब थोड़ा सा भी लगा ना पूरा खून खून ही खून बाहर पूरा खून बाहर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो है स्कंदन विकार हो सकता है ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स थ्रोम्बोसाइट इरिथ्रोसाइट क्या है वो जवाब कौन है भाई जो रक्त का थक्का जमाता है कौन है इनमें से जो कोशिका में रक्त का थक्का जमाता है ल्यूकोसाइट कभी नहीं न्यूट्रोफिल्स थ्रोम्बोसाइट्स, क्या कहती है जनता इस प्रश्न के बारे में जनाब, थ्रोम्बोसाइट को ही अपन प्लेटलेट कहते हैं ये बात जान लो इसी को आप प्लेटलेट्स कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स परफेक्ट थर्ड आंसर सबसे सही होगा ये जो ए मार रहे हो ना बहुत गलत बात है बहुत गलत बात है ऐसा तुक्का मारोगे ना तुम लोग तो भाई तुम लोग तो कवाड़ा कर दोगे भाई कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी तुक्का मार देते हो यार तुम लोग कुछ तो सोचा करो ल्यूकोसाइट मतलब बी सेल टी सेल ये होता है लिम्फ सेल्स ल्यूकोसाइट ये तो प्रतिरक्षा तंत्र में काम आती है रक्त का स्कंदन करवाने के लिए प्लेटलेट जिम्मेदार है और प्लेटलेट जो है असल में वो क्या है वो है थ्रोम्बोसाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव धमनियों को उन वाहिकाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है धमनियों का मतलब क्या है हमारे शरीर में धमनियों का मतलब क्या है विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन रक्त की आपूर्ति करती है वही है धमनी या हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त को लेकर जाती है वो है धमनी कोशिकाओं में विभाजित होती है जो पुनः एककृत होकर एक सीधा बनाती है वो है धमनी या एक आंतरंग को दूसरे आंतरंग के रक्त को लेकर जाती है वो है धमनी कौन है धमनी धमनी असल में करती क्या है हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त लेकर जाती है या फिर विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन रक्त की आपूर्ति करता है बताओ असल में धमनी का किस नाम पे किस बात पे निर्माण पड़ा हुआ है धमनी का असल में नाम इसलिए पड़ा है कि वो हर अंग जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों पे लेकर जाए वो धमनी है जो हृदय से बाहर लेकर जाए रक्त को वो धमनी है और जो हृदय में लेकर आए वो है जो हृदय में लेकर आए वो शिरा और जो लेकर जाए वो धमनी है अब आ गया बेटा जी क्वेश्चन नंबर यहां पर आएगा छब्बीस निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में सम्मिलित होता है बताओ कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में चार प्रोटीन तुम्हारे सामने है मुझे इन चारों में से बताओ कौन है जो ब्लड का क्लॉटिंग करवा सकता है एल्ब्यूमिन सीरम एमाइलेज ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन रक्त का थक्का जमाता है क्या सीरम एमाइलेज जमाता है क्या ग्लोब्यूलिन जमाता है क्या फाइब्रिनोजन जमाता है क्या कौन जमाता है भाई कौन है जो रक्त का थक्का जमा सकता है इनमें से कौन है जो रक्त का थक्का जमाता है एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजन? परफेक्ट आंसर, फाइब्रिनोजन। एकदम सही जवाब है फाइब्रिनोजन फाइब्रीनोजन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा फाइब्रिनोजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन रक्त के थक्का बनाने के लिए किसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है और आप में से जितने भी बच्चे देख रहे हो यह बात बिल्कुल याद रखो बेटा कि अगर तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो तुम पढ़ना चाह रहे हो तो उम्मीद बैच वो परफेक्ट बैच है जो तुम्हारे सपने को पूरा कर सकती है जब तुम प्रारंभ से स्टार्ट करोगे तो बेस्ट टीचर बेस्ट गाइडेंस भटकने का सवाल ही नहीं उठता है और अपने आप को सुपर हीरो की तरह प्रिटेंट कर पाओगे देखो मेरे साथ हमेशा एक सीन होती थी कि मतलब मैं जब भी कोई चीज पढ़ता था ना मुझे पता होता था तो मैं अपने टीचर्स को अपने स्टूडेंट को अपने दोस्तों को जाकर हमेशा बताता रहता था कि यार देखो मुझे यह पता चला है मुझे वो पता चला कुछ भी बात ऐसी हो तो जब मुझे पहले से पता होता था तो मैं जाके होशियारी मारता था और लोगों को लगता था क्या बात है लड़का कितना होशियार है लोगों को लगता था लड़का कितना होशियार सब पता होता है और असल में उनको क्या पता कि मैं कली पढ़ के आया हूं समझ रहे हो बात उनको क्या पता कि मैं कली पढ़ के आया हूं तो पहले से पढ़ के रखने से आप क्या होते ना एक अपनी लाइफ में होशियारी मार सकते हो अपने आप को एक बात ये बता सकते हो कि यार नहीं 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 मुझे पहले से पता है लोग तुम्हें सीरियस लेने लग जाएंगे स्कूल में इज्जत अलग अब तुम सोचो किसी स्कूल में पहले दिन जा रहे हो तुम्हारे टीचर ने तुमसे कुछ सवाल बता पूछा और तुमने उसे फट से जवाब मार दिया तो सोचो कितना बेहतरीन गिफ्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए और कितना बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए बेहतरीन वो एक इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरा कि बढ़िया यार क्या बढ़िया पढ़ा और एग्जाम में गए स्कूल गए स्कूल में मतलब टीचर खुश उन्हें सब पता है और आगे जाकर कुछ बोलेंगे तो तुम भी बदनाम हम भी बदनाम अगर नहीं बता पाए तो तो भाई साहब इसलिए पहले से पढ़ के रखो रक्त के थक्का बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है कैल्शियम की विटामिन की कैल्शियम की विटामिन के की क्या कहती है जनता कैल्शियम और विटामिन के कैल्शियम और विटामिन के ये दो लोगों की जरूरत होती है चौथा नहीं के प्लस और विटामिन के नहीं कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है विटामिन के की तो जो चौथा कह रहे हो सब गलत कह रहे हो बेकूफी है टोटल सही जवाब होगा यहां पर सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बेटा निम्न में से कौन सा एक प्रतिस्कंदक है जो रक्त में रक्त का स्कंदन रोकता है अब देखो, निकलता है जैसी तो थक्का जमा देता है ठीक है थीके? तो यह बात याद रखना लेकिन प्रतिस्कंदक एक ऐसा होता है जो कोशिकाओं के अंदर धमनियों के अंदर धमनियों के अंदर, अंदर जो है वो थक्का नहीं जमा पाता ऐसा क्या होता धमनियों के अंदर कि वो रक्त का थक्का, थक्का नहीं जमा पाता जबकि रक्त का थक्का बाहर निकलते ही वो थक्का जमाने लग जाता जबकि वो अंदर थक्का नहीं जमा पाता कौन है वो प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कहती है जनता अरे कॉमेंट मारो यार थोड़ा सा मन लगाकर कमेंट करके बताओ फटाफट -फड़ यहां पर देख तुम लो तुम लोग की सकल साल भर देखनी है मुझे थोड़ा कमेंट कमेंट मारो तुम्हारे नाम हम भी तो दिख जाए मुझे कि पता चले हाँ से कौन है जो मुझसे पढ़ रहा है शुरू से तब तो आखिरी क्लास में बताऊंगा ये बंदा मुझसे शुरू से पढ़ रहा है, तो है। समझे हाँ मारो फटाफट फड़ कमेंट क्या आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब है हिपरिन वो केमिकल है जो ब्लड के वाहिकाओं के अंदर रक्त के थक्के को जमने से रोकता है रक्त के थक्के को जमने से रोकता है तो सही जवाब हो जाएगा बेटा इसका 28 का चौथा अब आ गए क्वेश्चन नंबर 29 पे पक्षी तथा स्तनधारियों में क्या होता है हृदय के बारे में बताओ कि पक्षियों को और स्तनधारियों के बीच में क्या होता है एकल और बंद प्रकार का परिसंशरण होता है क्या पक्षी और स्तनधारियों में पक्षियों में दोहरा और खुला प्रकार का परिसंशरण होता है क्या दोहरा और बंद प्रकार का परिसंचरण है क्या और एकल और खुले प्रकार का परिसंचरण है क्या क्या होता है आखिर ऐसा आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पक्षी तथा स्तनधारियों में ऐसा क्या होता है कैसा परिसंचरण तंत्र होता है क्या बोलती है जनता क्या बोलती है जनता सही बात बताइए तो ये भाई साहब ये दोहरा होता है और बंद प्रकार का परिसंचरण है ये दोहरा होता है और कैसा है बंद प्रकार का समझे ठीक है इसका नाम नीरज सिंह राजपूत है बहुत बढ़िया नर नर क्या नाम है नरबड़ा गुप्ता और प्रशांत सारस्वत विनीत कामरान अकमल अमित सिंह हर्षिता शुक्ला प्रशांत सारस्वत वही हो गया ए डी एक्स लीडर वाओ लाइव क्लास होगी लाइव सेशंस हो सकते हैं बेटा अभी लाइव से क्लासेस नहीं लाइव सेशंस होंगे और गाइडेंस सेशन होगी लाइव की ठीक है गाइडेंस सेशन होगी लाइव की वो अपन करेंगे उसमें ठीक है विनोद उपाध्याय शुभम अग्रवाल शिवम पाल बहुत बढ़िया ठीक है तो सही जवाब है यहां पर तो क्या बोला है भाई थर्ड ऑप्शन अब आ गए क्वेश्चन नंबर की तरफ में हृदय आवेग का आरंभ और संचालन आगे निलय में होता है इस आवेग के संचालन का सही क्रम बताओ आप सभी जानते हो हार्ट में जो है ना मायोजेनिक हार्ट होता है और हार्ट में इंपल्स बनना आगे बढ़ता, बढ़ता 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 चला जाता है तो वो कौन सी वो जगह है जहां पर इंपल्स बनता है जहां इंपल्स आगे जाएगा फिर आगे जाएगा फिर आगे जाएगा तो कहां कहां वो ट्रांसफर होता है कहां कहां ट्रांसफर होता है जनाब बताइए भाई साहब वर्षा कुमारी बताओ क्या सबसे सही आंसर होगा इनमें से कि क्या वो ऐसे नोड में बनके फिर एवी नोड फिर पुरकिंजे और एवी बंडल में जाएगा ऐसे नोड पुरकिंजे तंतु एवी नोड एवी बंडल ऐसे नोड एवी नोड एवी बंडल पुरकिंजे फाइबर ऐसे नोड पुरकिंजे फाइबर एवी को ना बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं और एवी नोड क्या कहती है जनता इस प्रश्न के बारे में सबसे सही कथन बेटा अभी थ की तो मैराथन चल रही है तो डेली तो पॉसिबल है नहीं लेकिन ट्वेल्थ की क्लास होगी ट्वेल्थ क्लास चल रही है और तुम एक बार इस पैड कोर्स को ले लो ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुरंत तुम्हारी क्या बोरे नो डेवी नो डेवी बंडल पुरकिंजे फाइबर बिल्कुल सही जवाब है आंसर हो जाएगा थर्ड अब बेटा जी फिर से बता दू आप में से जितने भी बच्चे देख रहे हो तुम समझ लो तुम स्पेशल बच्चों में से एक हो तुम वो बच्चे हो जो अगले ट्वेल्थ की क्लास को पहले से ही पढ़ना चाहते हो तो ऐसे समय में कक्षा बारहवीं के लिए याद रखना बेटा स्टार्ट डेट जो है बीस तारीख से एक हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च की है जिसका नाम है उम्मीद बैच यूपी बिहार राजस्थान एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ बोर्ड सभी बोर्ड के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच है उसमें वो सारे फीचर्स है जो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी हो सकते हैं जो आपकी नीड हो सकती है और ये मिल रहा है मात्र चार रुपए में उम्मीद बैच है इक्कीस बीस तारीख से यह बैच शुरू होगी और सत्रह जनवरी तक ये ऑफर तुम्हें मिलता रहेगा यानी कल तक तुम्हें ये ऑफर मिलता रहेगा तो इससे पहले आप इसे ज्वाइन कर लीजिए या आप इसे कंप्लीट कर लीजिए ठीक है ठीक है चलिए भाई तो अगले पार्ट में आते याद रखना ये उम्मीद बैच है और आपको बहुत मदद करने वाली है अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर पे बताइए अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र इनमें से किसके पास पाया जाता है इनमें से वो कौन सी कोशिका है इनमें से वो कौन सी कोशिका है जो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा दोहरा है वो भी अपूर्ण मतलब इनकंप्लीट सिस्टम uh, होगा इनकंप्लीट सिस्टम होगा सरिश्रिप और पक्षियों में उभयचर और सरिश्रिप में पक्षी तथा स्तनधारियों में मछली तथा उभयचर में जनाब देखो मछली में तो ऐसा होता है कि उनके पास uh, uh, क्या बोल सकते हैं एकल परिसंचरण तंत्र होता है दोहरा जो है वो पक्षी और स्तनधारियों में होता है अब जो अपूर्ण दोहरा है वो उभयचर और सरिश्रिप में होता है जो अपूर्ण दोहरा होता है वो उभयचर और सरिश्रप में होता है मछली में याद रखना बेटा मछली में जो है ना वो एकल होता है ठीक सरिस्प और पक्षी अच्छा पक्षी और सरिस्तारियों में जो है ना दोहरा होता है बाकी वहां का उभयचर यहां का सरिश्रप जो है उनके पास में अपूर्ण दोहरा होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बेटा जी बताओ रक्त उच्च रक्तचाप गंभीर रूप से निम्नलिखित जैविक अंगों को हानि पहुंचा सकता है अगर आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपके कौन से शरीर पे उसका असर पड़ेगा क्या आपके हार्ट में उसका असर पड़ेगा क्या आपके ब्रेन में उसका असर पड़ेगा क्या वृक्ष में उसका असर पड़ेगा या फेफड़े में उसका असर पड़ेगा इन चार पांच में से कितने अंग ऐसे हैं ठीक है यह जिसमें जो है रक्तचाप गंभीर रूप से अंग को नुकसान पहुंचाएगा बताओ कौन से ऐसी ऐसी अंग हैं जहां पर नुकसान पहुंच सकता है अगर ब्लड प्रेशर तुम्हारा बहुत बढ़ जाए तो बेटा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना तो हृदय में भी बढ़ेगा हृदय भी नुकसान पहुंचेगा मस्तिष्क में भी नुकसान पहुंचेगा किडनी में भी नुकसान पहुंचेगा और फेफड़े में नुकसान तो ए बी सी डी चारों में समझ रहे हो बात को चारों में नुकसान पहुंचेगा तो उच्च रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो आपको ए बी सी डी सभी में प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रक्त दाब को आप कैसे माप सकते हैं किसी के भी ब्लड प्रेशर को अगर आप नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे स्फिग्नोमेनोमीटर, फोनोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या स्टेथोस्कोप रक्त का दाब नापना चाहते हैं सुनना नहीं रक्त का दाब अगर आप नापना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड किसको यूज करेंगे स्पिग्नोमेनोमीटर फोनोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर स्टेथोस्कोप आप किसका पहचान करेंगे किसका पता होगा रक्तदाप में ब्लड प्रेशर अगर आपको पता लगाना है तो किसका आप उपयोग करेंगे भाई साहब सुन लो ये यंत्र सुन लो बहुत काम आएगा एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे तब तुम्हें ये बार बार उपयोग करना पड़ेगा ठीक है स्पिगमोमेनामीटर ये उस बीपी ऑपरेटर का नाम होता है जिससे अपन पता लगाते रहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में आ गए बेटा किसके अतिरिक्त सभी शिराओं में ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है एक ऐसी शिरा का नाम बताओ जिसमें जिसके अतिरिक्त बाकी सभी सिरा में अनऑक्सीजनेट होता है लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनीकृत रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजनीकृत रक्त होगा बाकी सब में तो अनऑक्सीजनीकृत होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक ऐसी सिरा जिसमें ऑक्सीजनेटेड रक्त होगा बताओ वृक्क का सिरा यकृत का सिरा यकृत निवाहिका सिरा या फुफ्फुसीय सिरा कौन सा वो सिरा है जिसके पास में रक्त होगा रक्त की जगह रक्त होगा मैं आपको बता दूं से फुफ्फुसी हमारे शरीर के सभी सिरा जो हैं, वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रखते हैं लेकिन एकमात्र फुफ्फुसी सिरा है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड होता है, नेटेड होता है। हमारे शरीर की सभी धमनिया जो होती हैं वो रक्त रखती हैं लेकिन एकमात्र धमनी होती है जिसके पास वी रक्त होता है तो अपोजिट है यहां पर फुफुसी के साथ अपोजिट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स मनुष्य के शरीर से कौन से अंग को पृथक करने पर जंतु में सबसे कम प्रभाव दृष्टिगोचर होगा इनमें से कौन सा अंग है जो तुम अपने शरीर से गायब कर दोगे तो तुम्हें उतना कम फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या फर्क पड़ेगा भी तो इनमें से सब जैसे अग्नाशय तो फर्क, तो फर्क, फर्क, तो तो कि फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क तो पड़ेगा भाई अब शरीर से कोई संरचना रही तो फर्क तो पड़ेगा लेकिन कम सबसे कम किसके फर्क पड़ेगा पीयूष ग्रंथि को हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत जबरदस्त ग्लैंड है भाई ये तो मास्टर ग्लैंड है ये नहीं रहेगी तो पूरा बॉडी नहीं चलेगा तो ये आंसर तो गलत हो गया बहुत फर्क पड़ेगा यकृत भाई साहब अगर क्यों? मतलब सीरीज सी बात है लीवर ही हटा दो तो लीवर तो फिर तो मर ही जाएगा आदमी ठीक है अग्नाशय इतना सारा पाचन करवाता है ये भी जरूरी है प्लीहा जो है भाई वो सिर्फ स्टोर वगैरह कर रहा होता है तो कई बार जो है ना प्लीहा गॉल बैडर को हटाया भी जा सकता है इसका बहुत बड़ा लोड नहीं है अब आ गए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे जनाब बच्चों में हृदय स्पंदन दर वयस्कों की तुलना में बच्चों में हृदय स्पंदन दर वयस्कों की तुलना में ज्यादा होगी कम होगी समान होगी इनमें से कोई नहीं क्या होगा आंसर हृदय स्पंदन दर वयस्कों की तुलना में ज्यादा होगी कम होगी समान होगी इनमें से कोई नहीं बच्चे फटाफट भड़ सांस लेते हैं धीरे धीरे सांस लेते हैं भाई और वो हृदय भी वैसे ही है, है, धीमा धीमा है।, है। वैश्विक की तुलना में ज्यादा बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब अगर आई गया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को हमारे ठीक है आए हो तो वीडियो जरूर लाइक करो कैसे पता चलेगा कि बच्चे मुझे पसंद करे कैसे भाई समझ समझ में आ रहा है मजा आ रहा है कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कुछ बताओ शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग बताओ कि कैसा लग रहा है इलेवंथ के सेशन लेकर और अगर आप इसे ट्वेल्थ में ऐसे कंटिन्यू करोगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा क्या बोलते हो अभी मजा आ रहा है सेशन बना के ज्यादा होगी बिल्कुल सही जवाब है ज्यादा ही होगी बच्चे ज्यादा तेज सांस लेते हैं देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेशन है से, इनको ही कर करके तुम्हें बार 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 अपनी प्रैक्टिस करनी है लाइक करो मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे पसंद आ रहा है ना बस बहुत बढ़िया तो यार बड़ा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो थोड़ा तो बताया तो 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 करो मुझे भी अच्छा लगे बच्चे शांत बैठ के देख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन लेस क्लास में कोई बिहेवियर ही नहीं है क्लास में कोई रोमांस ही नहीं है क्लास में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है सारा खत्म है मैं बता रहा हूं तुम देख रहे हो बस यही सब सीन है और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है ना बस तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो लाइक करो उसको चलो अब आ गए बेटा जी 38 नंबर पे मानव रक्त में एरिथ्रोसाइट की संख्या आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होगी आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होगी चार मिलियन पर एमएम क्यूब पांच मिलियन पर एमएम क्यूब छह मिलियन पर एमएम क्यूब या 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब आपके शरीर में जो आपके शरीर में जो एरिथ्रोसाइट यानी बेटा आरबीसी ठीक है इरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है तुम्हारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है फाइव मिलियन पर एमएम क्यूब बहुत सारी संख्या में होता है भाई इरिथ्रोसाइट बहुत छोटी कोशिका है और बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाता है तो परफेक्ट आंसर होगा फाइव मिलियन पर एमएम क्यूब अब आ गए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या प्रति एम एम क्यूब होती है अब वो तो हो गई आरबीसी श्वेत रक्त कणिका का मतलब होता है डब्ल्यू क्या मतलब होता है डब्ल्यू इसकी संख्या कितनी होती है भाई डब्ल्यूबीसी कितना होगा आठ हजार छह हजार चार हजार तीन हजार कितना होगा मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या प्रति एम एम क्यूब कितनी होती है आठ हजार चार हजार तीन हजार सोलह हजार क्या बोला है भाई चार हजार बोल रहे हो चार हजार बोल रहे हो नहीं भाई साहब 8000 हजार पर एम एम क्यूब आठ से 16 के बीच में होती है आठ से दस मान सकते हैं आठ से दस हजार पर एम एम क्यूब बोल देना क्यूब घन मीटर ऐसा कुछ कहते होंगे घन का क्यूब जो भी होगा वो ठीक है ओके अब आ गए क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे जनाब किस रक्त समूह से ए रक्त समूह रक्त प्रदान कर सकता है रक्त प्राप्त कर सकता है सॉरी अगर आप बताओ एक रक्त समूह आपका ए रक्त समूह है और आपको रक्त लेना है अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किस किस से ब्लड ग्रुप ले सकते हो क्या आप ए ए बी और ओ तीनों से ले सकते हो या ए और ओ से ले सकते हो या ओ से ले सकते हो बी और ए बी से ले सकते हो अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है ए है तो आप रक्त समूह किससे प्राप्त कर सकते हो कौन है जो आपको ब्लड दे सकता है बताओ अगर आपका रक्त समूह ए है तो आप एक तो सबसे पहली बात ए से ही ले सकते हो एक से ही ले सकते हो और दूसरा ए के साथ साथ आप ओ से भी ले सकते हो क्योंकि ओ जो है जनाब यूनिवर्सल डोनर है वो सबको ब्लड ग्रुप देता है और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो हर किसी से ब्लड को ले लेता है ये बात याद रख लेना मतलब तुम इस बात को याद कर लो भाई कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तुम इसे याद कर लो तुम्हें ब्लड ट्रांसफर करते समय काम आएगा ए है बी है या फिर ए बी है और या ओ है तो ए वाला जो है ना प्राप्त किससे किससे करेगा प्राप्त करेगा ए से या ओ से अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो बी और ओ से ले लेना अगर तुम्हारा ए बी है तो तुम ए से भी ले लो बी से भी ले लो ओ से भी ले लो और ए बी से भी ले लो और अगर तुम्हारा ओ है तो सिर्फ ओ से लेना प्राप्त करेंगे कर, करता है यह बात याद रखना तो ए बी साहब यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी मतलब सर्वात्रिक ग्राही है ये। सर्वग्राही और ये जो है भाई साहब सर्वदाता वो जो है वो सर्वदाता वो सर्वग्राही अब आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे बेटा इसका भी सवाल बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण कौन सी विकृति होती है यदि आपकी प्लेटलेट्स की जो संख्या है अगर आपकी प्लेटलेट की संख्या है मैं सबके आंसर देख रहा हूं तुम्हारे अब इतने सारे आंसर है भाई किसका किसका देख पाएंगे अगर आपकी प्लेटलेट की संख्या कम हो गई थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम हो गई तो कौन सी बीमारी आएगी स्कंदन की विकृति या प्रतिरक्षा की विकृति पाचन की विकृति या श्वसन की विकृति? आपको कौन सी परेशानी आने वाली है? बताओ प्लेटलेट जो होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का बताओ प्लेटलेट्स क्या काम के कारण आता है थक्का नहीं जमेगा प्रतिरक्षा की विकृति मतलब इम्यूनिटी खराब हो जाएगी श्वसन की विकृति मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी या फिर पाचन में विकृति आएगी क्या जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा यदि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 42 तुम्हारे सामने है ए बी रक्त समूह का रक्त किसे दिया जा सकता है आप बताओ अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किसे रक्त दे सकते हो बस अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या आप किसी को ब्लड ग्रुप दे सकते हो बताओ क्या सिर्फ ए को या फिर बी को या फिर ए बी को या फिर ओ को आप किसे रक्त समूह दे सकते हो ये बताओ अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ब्लड ग्रुप किसे किसे दे सकते हो किसे देख सकते हो केवल ए बी को यदि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम सिर्फ दे ए बी को सकते हो हाँ ले सबसे सकते हो ले सबसे सकते हो लेकिन दोगे सिर्फ ए बी को परफेक्ट बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं के बनने की विधि आपके शरीर में जो अस्थि मज्जा होती है उसमें रक्त की कोशिकाएं बनती हैं और वो रक्त की कोशिकाएं बनने की जो विधि है वो क्या है थ्रोम्बोपोएसिस या एरिथ्रोब्लास्टोसिस वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप अस्थि मज्जा में रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं बताइए वो कौन सी कोशिका है जिसके द्वारा आप अपने शरीर में रक्त का कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं रक्त की कोशिकाओं का बनने के लिए जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बोलिए कौन सी कोशिका होगी हीमोपोएसिस उस प्रक्रिया का नाम होता है हीमोपोएसिस ठीक है थ्रोम्बोपोएसिस प्लेटलेट्स के निर्माण का नाम है हीमोलाइसिस इसके मरने का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी का नाम है तो सही जवाब होगा फर्स्ट अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ जनाब मृत आरबीसी को नष्ट करती है मृत आरबीसी जो नष्ट करती है वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो उसको नष्ट करती है कुफुर कोशिकाएं अस्थि कोशिकाएं मास्ट कोशिकाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं आपके शरीर में वो कौन सी कोशिका है जो मृत आरबीसी को सेलेक्ट करती है और कहती है कि अब चलो तुम्हारा मरने का समय आ चुका तुम निपटो यहां से निकल लो अब तुमको अपन कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं, बताओ मृत तो कोशिकाओं को कौन सी कोशिका पकड़ती है क्या वो कोशिका का नाम कुफ्फुर कोशिका है क्या उसका नाम अस्थि कोशिकाएं हैं? या उसका नाम मास्ट कोशिकाएं हैं? या उपरोक्त में से कोई नहीं क्या कहती है जनता सही जवाब होगा भाई साहब फर्स्ट कुफुर कोशिकाएं क्या हो जाएंगी कुफुर कोशिकाएं सही जवाब ये हो रहा है यहां पर अब आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइट्रोजनी अवशिष्ट को यूरिकम्ल विधि से बाहर निकाला जाना पाया जाता है मेरे को बताओ कि यूरिकम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करता है जनाब यूरिकम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करता है क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों से और जो भी तुम्हारे पास ग्रुप बना लो एक अगर तुम्हें मेरा पढ़ाना पसंद आता अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो उस ग्रुप में मैं तुम्हें कंटेंट दिया करूंगा वहां पर वीडियो कभी कभार मुझ, मैं भी ग्रुप में हो जाऊंगा तुम्हारे तुम्हारे साथ मिलकर बात करेंगे ठीक है कोऑर्डिनेट करेंगे तुम्हारे पर्सनल ग्रुप से टॉक कर सकते हैं तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं तुम बनाओ सरीर ग्रुप बनाओ बढ़िया ठीक है बताओ भाई साहब यूरिक अम्ल कौन निकालेगा सरश्रफ और पक्षियों में यूरिक अम्ल बनता है क्या पक्षियों और एनलिट्स में बनता है क्या एम्फीबियंस और सरिश्रप में बनता है क्या कीटो और एम्फीबियंस में बनता है क्या यूरिक एसिड देखो बताओ भाई तो बताओ किसमें किसमें बनेगा यहां पर अम्ल यूरिक अम्ल किस में किसमें बनेगा हट गए भाई हट गए सोनम पटेल बिल्कुल हट गए लो देखो यूरिक अम्ल विधि से बाहर निकाला जा सकता है यूरिक एसिड किससे बनेगा ये आप टेलीग्राम पे जाओ वहां पर मैं सब मिल जाऊंगा क्या आंसर होगा सरिश्रेप तथा पक्षियों से बिल्कुल सही जवाब है सरिश्रेप और पक्षी ज्यादातर सरिश्रप और पक्षी जो हैं वो नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ये बात याद रखना इसके बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया यहां पर फोर्टी सिक्स नंबर का यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी उत्पादों का मुख्य नाइट्रोजनी घटक हो सकता है आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है आप बताओ इनमें से कौन है जो यूरिक अम्ल का मुख्य उत्सर्जन करेगा मुख्य नाइट्रोजन मेढक अम्ल उत्सर्जन करता है क्या मानव या फिर केचुआ या फिर कॉकरोच कौन है इनमें से जो ये उत्सर्जन करता है अम्ल का उत्सर्जन करता है इनमें से कौन है वो अम्ल का उत्सर्जन इनमें से कॉकरोच करेगा बेटा इनमें से कॉकरोच करने वाला है अम्ल का उत्सर्जन ठीक है तो सही जवाब यहां पर अम्ल का कॉकरोच हो जाएगा अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे सैतालीसवें नंबर का सवाल हड्डियों पे सवाल पूछा जाएगा एटलस और एक्सेस देखो आपकी जो मेरुदंड होती है वो गर्दन पे ऐसे जाके लगती है और आपकी गर्दन उसके ऊपर ऐसे टिकी हुई रहती है अब ये कुछ ऐसा ही टिका हुआ है जैसा समझ लो कि पेन के ऊपर में अगर मैं यहां पे कॉपी लगा दू और टिका हुआ है तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जोड़ किस प्रकार का होता है ये जोड़ किस प्रकार का होता है इस जोड़ को क्या रेशिमिता जोड़ क्या इसमें मूवमेंट होता है क्या उपास्थी वाला जोड़ है या साइनोवियल जोड़ है या सेडल ज्वाइंट है कौन सा ज्वाइंट सबसे बेहतरीन माना जाएगा आपके गर्दन के ऊपर में जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को अपन कौन सा ज्वाइंट कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट है क्या वो उपास्थी युक्त ज्वाइंट है क्या रेशिय जोड़ है क्या रेशिय जोड़ मतलब जहां पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता जैसे आपकी ये हड्डी और इधर वाली हड्डी ये दोनों हड्डियों में रेशिय जोड़ है तो इनमें बिल्कुल गति नहीं होती लेकिन जो उपास्थि वाला जैसे आपकी ये कमर ये जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर उधर कर सकती है साइनोवेल मतलब जैसे ये पूरा फुर, फ्री मतलब फ्री मूवमेंट कर रहा है ये तो आपकी गर्दन भी वैसे ही होती है देखो बढ़िया मूवमेंट कर रही है ना तो ये जो मूवमेंट है साइनोवेल ज्वाइंट कहलाता है आपके एटलस और एक्सिस के बीच में याद रखना ये ज्वाइंट होता है ठीक है और असल में वो साइनोवियल में भी ना पाइवोट ज्वाइंट का नाम होता है उसका नाम होता है ठीक है आपके बोन्स में एक ज्वाइंट बनाए आपके बोन्स में एक ज्वाइंट बनाए और वो ज्वाइंट बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं हो रही है जैसे आपके चेहरे पे है ये चेहरे पे आपको पता यहां पर एक दो तीन चार पांच छह ऐसा करके आठ दस हड्डियां कुल मिलाकर यहीं यहीं पे दिख रही तुमको ये बिल्कुल गति नहीं करती ये आपके नीचे यहां 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 की हड्डियां कहां गति करती कुछ नहीं है तो इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट पाया जाएगा कंदुक खल्लिका संधि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रेसेदार संधि फाइब्रस ज्वाइंट या उपास्थि वाली संधि या फिर साइनोवेल संधि क्या कहती जनता इसके बारे में जवाब बताओ इसका सबसे सही आंसर क्या होगा भाई साहब उसे रेसेदार संधि ही कहेंगे क्योंकि भाई साहब उसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती जिसमें बिल्कुल गति नहीं होगी रेसेदार जिसमें थोड़ी बहुत गति होगी वो है उपास्थिमय संधि और जिसमें बहुत ज्यादा गति हो सकती है वो है साइनोवेल ज्वाइंट समझ गए बात को अब आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल के अस्थि ग्रंथी संधि पर जमा होने के कारण प्रदाह सूजन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल को अगर अस्थि ग्रंथि आपके ग्रंथी संधि पर जहां पे वो होता है ना ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट पर कभी कभी जाकर जम जाता है अब अगर वो जाकर जम जाएगा तो उस प्रकार की बीमारियों को सूजन को क्या कहा जाएगा टिटनेस कहा जाएगा संधि शोथ यानी संधियों का सूजन कहलाएगा या फिर गाउट उस बीमारी का नाम है या फिर उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उस खास बीमारी का मेन नाम क्या है यदि आपके किसी भी ज्वाइंट पे जाकर यूरिक एसिड का जमाव हो जाए तो उससे खास प्रकार की बीमारी बनती है और उस बीमारी का नाम क्या है क्या कहते हैं उसे आर्थराइटिस टिटनेस, गाउट या फिर आस्टियोपोरोसिस। देखो तुक्का मार रहा बेटा उसे गाउट कहते हैं ठीक है गाउट कहते हैं उस बीमारी का नाम तुक्का नहीं मारो आंसर होगा सी गाउट ठीक है अब आ रहे हैं बेटा शानदार पचासवें नंबर के सवाल पे पचासवें नंबर का सवाल तुमसे पूछ रहा है कि मनुष्य के दोनों अग्रपाद में दोनों हाथों की अंगुलास्थी मतलब अंगुली फैलेंजर्स में कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के दोनों हाथ की अंगुलियों में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं यह आपको बताना है तो क्या वो हड्डियों की संख्या चौदह होती है या फिर अट्ठाईस होती है या फिर बारह या फिर चौबीस दोनों हाथ की हड्डियों में कितनी होती है तो देखो इधर काउंट करोगे ना तो एक दो तीन 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 छ तीन नौ नौ तीन बारह और उंगली में होती है सिर्फ दो हड्डियां चौदह तो चौदह और चौदह फोर्टीन फोर्टीन, दोनों मिलाकर जो बोन्स बनती हैं वो बन जाती है भाई साहब अट्ठाईस तो ट्वेंटी एट बोन्स बनेंगी यदि आप दोनों अंगुलियों को काउंट करेंगे तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इक्कावन नंबर पे इन प्रश्नों को बनाने के दो तीन फायदे हैं हैं कि अगर आप इन प्रश्नों को बना रहे हैं, तो आपका नीट का भी डन होते जा रहा है और आप अपने बोर्ड की तैयारी भी अच्छी कर पा रहे हैं और इससे यह भी पता चल रहा है कि इलेवंथ भी आपने ठीक ठाक पढ़ा है और इलेवंथ में फोकस भी अच्छा आप कर पाएंगे तो इसलिए बेटा ये बड़े प्रश्न होंगे मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती आपको क्या लगता है <coughs> 206, 260, 306 या एक आपके शरीर में मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं या 206, 260, 306, 132। 90 परसेंट बच्चों को पता ही होना चाहिए कि 206 हड्डियां होती हैं अब क्वेश्चन नंबर बावन की तरफ 52 की तरफ में आ रहे हैं मनुष्य के अक्षय कंकाल में उपस्थित हड्डियां आपके शरीर में दो प्रकार का कंकाल होता है एक तो ये बीचों बीच वाला कंकाल और एक तो इधर इधर वाला हाथ पैर वाला कंकाल इस हाथ में तीस इस हाथ में तीस इस, इस पैर में तीस इस पैर में तीस कुल मिलाकर एक हड्डी बाकी जो बची हड्डियां हैं वो अक्षय कंकाल में आती है बीचों बीच वाले भाग में इसमें चेहरा आता है इसमें गला आता है इसमें मेरुदंड आता इसमें है इसमें पसलियां आती हैं ये सारी हड्डियां आती हैं तो आप बताओ मुझे कि भाई साहब मनुष्य के अक्षी कंकाल में अगर 120 हड्डियां हटा दे तो बाकी अक्षी कंकाल की हड्डियां हैं वो कितनी हड्डियां होंगी बताओ अक्षी कंकाल में उपस्थित हड्डियां कितनी होंगी बताओ भाई साहब कितनी हड्डियां होती अच्छा 120 वो हटा दो और छह कान की हड्डियां कान की हड्डियां स्टपेस स्टपेस स्टर्नम स्टर्नम ये सब हटा दो सब मिलाकर अब कितनी हड्डियां बची तो सब हड्डियां अक्षी कंकाल में अगर गिनोगे तो आपकी हड्डियां गिनेंगे भाई कितना 120 था अक्षी कंकाल में उपस्थित हड्डियां तो 206 में से 120 हटा दो कितना बचा कितना बचा 120 जो है ये हड्डियां आपकी जो है ये बनती हैं कितना कंकाल हुआ भाई साहब ए ऑप्शन 80 मान लो चलो अस्या ही होती हैं वो छह जो है इधर उधर की फिर वो एक्स्ट्रा जोड़ी जाती हैं उनको फिर अलग से जोड़ते हैं अपन ठीक है अब आ गया बेटा जी क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं फिफ्टी थ्री ठीक है मानव में तैराकी की पसलियां अब मानव में क्या होता है तीन प्रकार की पसलियां होती शुरू की पसलियां सामने से भी जुड़ती हैं पीछे से भी जुड़ती हैं उसके बाद कुछ तीन पसलियां जो होती हैं दो तीन वो पीछे से जुड़ी होती है पर सामने से नहीं जुड़ी होती सामने एक जगह आके जुड़ जाती है आखिरी में दो तीन पसलियां ऐसी होती हैं जो पीछे से तो जुड़ी होती है सामने से जुड़ी ही नहीं होती तो उन पसलियों को तैराकी फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं वो कौन सी रिप्स होती है आठ नौ दस सात आठ नौ सात, आठ या नौ दस ग्यारह ठीक है कितनी होती है फ्लोटिंग रिप्स किसे कहेंगे भाई हम तैराकी की पसलियों की संख्या फ्लोटिंग रिप्स <coughs> बताइए असल में उसमें 24 पस वो होती हैं तो आप उन्हें जो है तैराकी की पसलियों की संख्या क्या गिनेंगे तो आठ नौ दस सात आठ नौ फ्लोटिंग रिप्स ही कहेंगे ना उसको फ्लोटिंग रिप्स का सही आंसर नहीं बनेगा क्योंकि 24 टोटल होती है हमारे पास पसलियां ट्रू और फॉल्स है ना तो ये ये थोड़ा सा रॉन्ग आंसर बन जाएगा इसमें पसलियों की संख्या यहां पर असल में आठ दस ग्यारह बारह होना चाहिए था ठीक है तो इसलिए आंसर जो है आठ नौ दस को अगर आप कहेंगे ना दस ग्यारह बारह होगा वो सात आठ नौ जो है वो अलग पसलियां हैं नौ दस ग्यारह एक मिनट रुको ये दस ग्यारह बारह कर देना इसको तो यह आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है उसके बाद फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ रहे हो आप समझ रहे हो चीजों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है तो आपको कक्षा बारहवीं का ये बैच आपको लेना चाहिए ये उम्मीद है जो हमारी उम्मीद है उम्मीद बैच है अब चूंकि आज थोड़ा सा मतलब तबियत हमारी खराब है इसलिए एनर्जी कम है अदरवाइज बहुत जबरदस्त तरीके से मैं तुम्हें उम्मीद बैच के बारे में बताता स्टार्ट डेट जो है इसकी बीस जनवरी से ये स्टार्ट होने वाला है आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आप इसे ज्वाइन कर लीजिए बैकलॉग बैकलॉग कवर करवाने के लिए हम लोग हैं इसके अलावा यूपी बिहार राजस्थान एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ चा, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जबरदस्त बैच है वो सारे फीचर्स है जो तुम्हें पढ़ने के लिए जरूरी है और मात्र चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में उम्मीद कोपन कोड यूज करो ये सत्रह जनवरी यानी कल तक ये जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो पे कॉल कर लेना और आपको इस बैच की सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी और आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर ही लेना ताकि आपको जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे सोल्यूशन आप में बदल जाए फिफ्टी के बाद हम हमारे बेटा जी क्वेश्चन नंबर की तरफ में मानव शरीर में पसलियों की असल में कुल संख्या कितनी होती है मानव के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है बताओ लाइव क्लास शीतांशु इसमें लाइव सेशंस होंगे बेटा लाइव सेशन होंगे जिसमें आपको कभी कभार गाइडेंस कभी जूम में कभी इधर उधर हम ये ये सेशन होंगे जिसमें आपको गाइड करेंगे क्लासेस पूरी रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी ताकि आपका बैकलॉग ना हो पाए आपको डेली कुछ ऐसा देखने का कोई दिक्कत ना हो ठीक है जब आप बताओ कितनी पसलियां होती हैं भाई तो 24 पसलियां हमारे शरीर में होती हैं कुल पसलियां 24 हो गई अब यहां से कुछ क्वेश्चन जो है ना फिर से अब रिपीट करते हैं कुछ उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो नीट में खासकर पूछे गए हैं और इसके बाद जितने भी प्रश्न मैं करवाऊंगा वो नीट ओरिएंटेड होंगे ताकि आप इलेवंथ की तैयारियों से जान पाए कि क्या आपने जो पढ़ाई की है वो इलेवंथ के बाद आपको इलेवंथ में तो काम आएगा ही आएगा बेसिक पूरा इलेवंथ ही है पर ये नीट में आपको काम आएगा क्या आपने नीट में इसकी पढ़ाई की है नीट में कैसा आपको क्लियर हो पाएगा इसके बारे में तो संपूर्ण किताब आपसे करवाने जा रहा तो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा जी फिफ्टी आम का द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन करो कैरोस लिनियस ने नामकरण पद्धति बताई थी आप सबने पढ़ी होगी उस नामकरण पद्धति के हिसाब से आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ए, इंडिका, कार्लिन, इंडिका लिन या मैंजिफेरा इंडिका या मैनजीफेरा इंडिका ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न आता है बहुत बच्चे दिमाग खराब होता है इसमें पर कैरलस लिनियस ने जो बताया था उस हिसाब से आंसर बी ही होगा कैरलस कैरोलसियस जो है वो लिन इसका सही जवाब होगा ठीक है ये मैंजिफेराइंडी इंडिका यहां पर ये एक्चुअली रॉन्ग ऑप्शन है मैंजिफेराइंडी इंडिका लिन इज अ परफेक्ट आंसर क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही है ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास में पहुंचता है बेटा जी 56 नंबर का छप्पनवे नंबर का सवाल 56 नंबर का सवाल है सोचिएगा ये प्रश्न नीट में बोर्ड में तुम्हें दोनों में बहुत काम आएंगे याद रखना ये वो प्रश्न है जो बोर्ड और नीट में हर साल पूछे जाते हैं इलेवंथ में तुमसे बहुत मजेदार मजेदार प्रश्न आएंगे उनमें से ये भी है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल अच्छा सॉरी का पूरा नाम ही बताना था आपको तो मैंने बता दिया चलो फिर आप भी फिर भी बताओ मुझे इसका पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोटेक बायोलॉजिकल नेम्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनक्लेचर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर क्या कहती है भाई जनता या इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है कि इंटरनेशनल कोड है कौन है ये सही जवाब बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमिनचर इसने बताया था कि असल में विज्ञान का कैसे नाम रखा जाता है नंबर नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है बताइएगा जाति को कहा जा सकता है जाति असल में क्या है जाति असल में क्या है वर्गीकरण की वास्तविक इकाई जो टेक्सोनोम ने दी थी वो वास्तविक इकाई है क्या वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई थी या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई थी या मानव मस्तिष्क की एक कल्पना जिसे ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता वो है जाति असल में जाति है क्या जाति असल में होता क्या है बताओ जाति असल में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है याद रखना बी कहने वाले गलत है आंसर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वास्तविक मूल वर्गीकरण की इकाई नहीं वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है जिसे अपन सी ऑप्शन कहते हैं ठीक है ठीके? कंजन राजपूत जी बिल्कुल सही ऑप्शन है नीट दो आप नीट दो में भी धवाल मचाएंगे ठीक है मैं ये देखा इनमें से कितने सारे बच्चे हैं जो इस साल दो में भी नीट का एग्जाम देने वाले हैं मतलब सच में बहुत सारे इलेवेंथ के बहुत सारे बच्चे सच में नीट के ही यहां पर आके पढ़ने जा रहे हैं ज्यादातर बच्चे यहां पर जो है वो नीट वाले हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है वो किसके हिसाब से क्लास तुम्हारा क्या इलेवेंथ वाला है कि ज्यादातर जो है वो नीट वाले जो आप लोग हैं उनमें से पोल डाल रहा हूं उसको देखना वहां पर और बताना कि आप में से कौन से वाले पैसेंट में अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है भाई नीट के प्रश्न भी करवाऊंगा तुमसे अभी ताकि बोर्ड भी कंप्लीट करवाएंगे हम्म कितने बच्चे हैं असल में जो यहां पर नीट के लिए और नीट के लिए बस जान रहे हैं और सिर्फ या तो इलेवंथ के लिए अच्छा कुछ बीएससी वाले भी यहां पर पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है भाई फिर भी 57 परसेंट बच्चे वाले जो है वो इलेवंथ के 54 परसेंट बच्चे ज्यादातर बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं अच्छा रूपाली इलेवंथ के स्टूडेंट है अभी सिंह नीट वाले हैं अच्छा अच्छा ट्वेल्थ के बच्चे भी इलेवंथ को पढ़ रहे हैं यार ये तो बहुत ही गजब बात हो गई यार मतलब ट्वेल्थ वाले बच्चे इलेवंथ को पढ़ रहे हैं मतलब ये लोग भी नीट की प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे हैं अच्छा ये अदर वाले क्या पहली दूसरी के बच्चे हो गया तुम लोग चार परसेंट जो हाँ वो तुम लोग कौन सी क्लास के हो ज़्यादातर बच्चे इलेवंथ के हैं और ये जो दिव्या भारती दिव्या जो है वो देख रही है बहुत सारे बच्चे पहली क्लास में आए हैं ठीक है बढ़िया आप लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सारी नोटिफिकेशन पाइए बढ़िया से पढ़िए ठीक है अब आज तो थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य खराब इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं लेकिन बाकी समय में एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपको एकदम जबरदस्त सेशन आपको देते हैं या आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं इस चीज की ठीक है भाई तीन सौ लोग हो यार पूरे वोट तो कर दो बाकी लोग क्या पैसे लोगे वोट करने के तुम लोग तीन सौ तैंतीस लोग देख रहे हो पोल तो कर दो पूरे के पूरे तब तो हम बताएंगे तुम लोग जब बताओगे कि तुम्हारी जनसंख्या कितनी है कितने लोग हो तो फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा भाई इतने लोग हैं इन लोगों के लिए हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए वैसा पढ़ाना चाहिए है ना भाई साहब पूरे तीन सौ तैतीस चौंतीस लोगों का मुझे वोट चाहिए फटाफट वोट मारो पोल करो और पोल में वोट दो अच्छा नीट बॉय है स्टूडेंट नीट दे सकता है नहीं बेटा कम से कम साढ़े साल के हो जाओ तब दे देना ठीक है चलो ठीक है मतलब ज्यादातर बच्चों ने कह दिया और ज्यादातर बच्चे इलेवंथ के हैं बढ़िया तो जो भी भाई साहब ये इलेवंथ के बच्चे हैं उनके लिए एक जबरदस्त बैच है जबरदस्त बैच है उम्मीद बैच आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है ठीक है बहुत ज्यादा जरूरी है बिल्कुल लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो सब कुछ करो यार देखो मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं तुम जब मेरे लिए कुछ थोड़ा सा भी कर दोगे ना तुमसे क्या चाहिए मुझे लाइक थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़िया से वीडियो लाइक करो ठीक है और आप इलेवंथ की क्लास के लिए जो है हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो खूब शेयर करो तो मजा आएगा पढ़ने में ठीक है चलो भाई अब आते हैं अगले से अगले क्वेश्चन पे 57 नंबर के क्वेश्चन हुए हैं अभी तक अब हम आ हमारे फिफ्टी एट नंबर के तो वही आंसर है वहां पर 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 58 एक टेक्सॉन एक वर्ग सुना होगा आपने टैक्सॉन टैक्सॉन का मतलब क्या होता है संबंधित परिवार के समूह को अपन टैक्सॉन कहते हैं संबंधित जाति के समूह को कहते हैं या एक प्रकार के जीवित जीव को अपन टैक्सॉन मानते हैं या फिर किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह कोई भी एक समूह को अपन टेक्सॉन मान सकते हैं टेक्सॉन मतलब क्या होता है हाँ करा रहे हैं बेटा करा रहे हैं टेक्सॉन क्या होता है ए बी सी डी आपके हिसाब से टेक्सॉन क्या चीज होती है आपके हिसाब से टेक्सॉन क्या चीज होती है टेक्सॉन असल में किसी भी रैंक के जीवों का वर्गीकरण जो होता है उसे अपन कहते हैं तो आंसर होगा मतलब एक वंश भी एक टेक्सॉन है जाति भी एक है जगत भी एक टेक्सॉन है गण भी एक टेक्सॉन है वर्ग भी एक टेक्सॉन है वर्ग जो भी बने वो सब टेक्सॉन है तो जो भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप को ही अपन टेक्स कह सकते हैं आंसर हो जाएगा डी अब आ गए बेटा जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नंबर का सवाल पद्धति में से दो शब्द होते हैं आपने सुना होगा कि जो पद्धति होता है उसमें दो शब्द होते हैं वो दो शब्द कौन कौन होते हैं वंश और जाति गण तथा कुल कुल तथा वंश जाति तथा किस्म ये नीट में पूछे गए जबरदस्त प्रश्नों में से एक है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो आपको इन प्रश्नों के जवाब बढ़िया से देना होगा बताइए द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं और वो दो शब्द कौन हैं? वंश तथा जाति गण तथा कुल कुल तथा वंश जाति तथा किस्म क्या कहती है जनता इस प्रश्न के बारे में आंसर होगा ए वंश तथा जाति वंश तथा जाति परफेक्ट आंसर यही बनेगा अब हम आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर साठ की तरफ तरफी नंबर का क्वेश्चन है नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है नामकरण में द्वि नाम पद्धति एक नाम आपने सुना होगा वो नाम पद्धति का अर्थ क्या है एक नाम दो वैज्ञानिकों के नाम के द्वारा दिया गया हो तब उसे अपन द्वि पद्धति कहते हैं एक वैज्ञानिक नाम जो वंश और जाति से बना हो उसे अपन द्वि पद्धति कहते हैं दो नाम एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का नाम रहेगा ये रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं क्या असली मतलब है द्वि पद्धति का द्वि पद्धति का सबसे असली मतलब क्या होता है क्या मतलब है कि द्विनाम क्यों नाम रखा गया उसका द्विनाम ही क्यों कहा गया उस पद्धति को क्यों हम उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं क्या होता है भाई एक वैज्ञानिक नाम जो वंश और जाति से मिलकर बना हो उसे अपन कहते हैं वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति सही है अब हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर आ गए सिक्सटी वन की तरफ में सिक्सटी वन ठीक है आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं मृतजीवी इनमें से कौन है परजीवी इनमें से कौन है लाइकेन इनमें से कौन है कवक मूल इनमें से कौन है आपके पास चार ऑप्शन है और उन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए नंबर के क्वेश्चन पे कि इनमें से क्या मतलब होता है जो मृत जैव पदार्थों का अपघटन करता है उसे मृत जीवी कहेंगे परजीवी का मतलब क्या है लाइकेन असल में किसके बीच का रिलेशन है कवक मूल किसके बीच का रिलेशन है तो मैं आपको बताऊं कि मृत जीवी मतलब मृत पदार्थों का पाचन करना परजीवी मतलब जीवित पादपों और जंतुओं पर रहने वाला परजीवी है लाइकेन सैवाल और कवक का रिलेशन है पादप की जड़ और उनके बीच में कवक का रहना यह माइकोराइजा कहलाता है तो डी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का फर्स्ट केवल डी में ही दिया हुआ है दैट्स डी आंसर हो जाएगा डी सो तो परफेक्ट आंसर इसका डी ही बनेगा अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर भाई साहब सिक्सटी टू इसका जवाब बताना निम्नांकित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं आपको कहा जाता है आ, महासागर में मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन ओशियन में मेन प्रोड्यूसर कौन है मुख्य उत्पादक कौन गिना जाता है साइनोबैक्टीरिया डायटम्स डाइनोफ्लेजलेट्स या फिर युग्लिनॉइड्स कौन है जो मेन प्रोड्यूसर गिने जाएंगे इन चैप्टर्स में इन प्रश्नों में मेन प्रोड्यूसर कौन होगा <coughs> सही आंसर क्या हो सकता है मेन प्रोड्यूसर कौन होगा इनमें से मेन प्रोड्यूसर हमेशा से डायटम्स ही रहते हैं ओशियन के मेन प्रोड्यूसर हमेशा डायटम्स ही रहते हैं अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 63 बेटा जी निम्न में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं आपके पास ये ऑप्शन है इनमें से कौन ऐसे हैं जो चरम लवणीय दशाओं में पाए जाएंगे मतलब बहुत ज्यादा जा, क्या बोलना चाहिए सेलेनेटी जहां पर नमकीन पानी होगा वहां पर भी ये लोग पाए जा सकते हैं आध्य बैक्टीरिया यानी आर बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया या फिर साइनो बैक्टीरिया या फिर माइको बैक्टीरिया बताओ कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं आद्य बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया बताइए आद्य बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब है आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया वो जीव होते हैं जिनके पास में एक क्षमता होती है कि वो हार्स से हार्स कंडीशन पे भी अपने आप को जिंदा रख लेते हैं और वही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पे आते हैं बेटा अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है ज्यादातर कवक में उनकी कोशिका भित्ति का कौन सा भाग पाया जाता है क्या काइटिन का बना होता है उनका कोशिका भित्ति? या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है उनका कोशिका भित्ति? या फिर सेल्यूलोस का बना होता है और या फिर हेमी का बना होता है किसका बना होता है असल में अधिकतर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है अधिकतर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है आप में से जितने भी बच्चे हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्वेल्थ में बेहतर करना चाहते हैं बाकियों से ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं और अपने गर्व अपने घरों घर के माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे उम्मीद बैच ज्वाइन करिए माता पिता से बताइए खुशी खुशी माता पिता आपको इस बैच से ज्वाइन कराएंगे मैं दावे से कह सकता हूं बेटा कि एक माँ बाप जो है ना साल की आखिरी एक महीना पहले वाली क्लास की जगह साल की पहली क्लास को आपको देने में गौरान्वित महसूस करेंगे साल के आखिरी में भी अगर आपको किसी बैच की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अच्छा नहीं पढ़ा होगा साल भर इसलिए जरूरत पड़ रही जबकि बेटा अगर पहली बैच ही ले रहा है इसका मतलब बच्चा इतना सिंसियर है इतना सिंसियर है कि वो शुरू से ही सब कुछ करना चाह रहा है और जो बच्चा इतना सिंसियर होगा कि शुरू से ही पढ़ने के लिए सब कुछ अपने व्यवस्था कर रहा है उस बच्चे का रिजल्ट कभी खराब हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कभी किसी के साथ गलत नहीं हुआ है अगर उसने शुरू से मेहनत की है तो उसका अंत भी बहुत बढ़िया होगा ही होगा ठीक है बताओ किसकी बनी होती है भाई काइटिन के बिल्कुल सही जवाब है अधिकतर कवक में कोशिका भित्ति एक मुख्य अवयव है और वो काइटिन का बना होता है क्वेश्चन नंबर पे आते हैं बेटा निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में असत्य है वायरॉइड वायरॉइड समझते हैं ना वायरॉइड एक विशेष प्रकार के वायरस के भी छोटे भाई होते हैं एक प्रकार के जीव ही हैं जीव निर्जीव दोनों मान सकते हैं उनके बारे में क्या बात आपको सही लगती है ये विषाणुओं से छोटे होते हैं ये बात बिल्कुल सही है बीमारी फैलाते हैं बात बिल्कुल सही है आरएनए का उच्च आंडविक भार वाला बात होता है ये भी बहुत हद तक बात लग रही है इनमें प्रोटीन के आवरण का अभाव होता है ये बात थोड़ी सी गलत लग रही है वायरॉइड के बाहर प्रोटीन का आवरण इनके पास में ये बात जो है वो गलत है। आरएनए का उच्च आंडविक भार वाला जो भाग होता है ये इनके पास नहीं इनके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है और लो मॉलिकुलर वेट का आरएनए इनके पास पाया जाता है तो ज्यादा परफेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वाला मतलब सॉरी मतलब जो गलत है वो ये गलत है सही मतलब वही है आंसर ढूंढना है तुम्हें सही गलत का और आंसर वही होगा तो यही आंसर है ठीक है बाकी स्टेटमेंट सही है प्रोटीन आवरण का भाव होता है और ये जो सही लग रहा है ये तीन सही लग रहा है ये गलत लग रहा है यही आंसर बनेगा उसके बाद आ गए बेटा जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स की तरफ में बताओ एक नाम है क्राइसोफाइट यूग्लिनोइड डायनोफ्लेजलेट और अवपंक कवक ये तीन चार जीवों का समूह है ये कौन से जगत में आते हैं क्या वो मोनेरा में आते हैं क्या ये प्रोटेस्टा में आते हैं क्या ये कवक में आते हैं या फिर एनिमेलिया में आते हैं कहां पर आते हैं भाई कौन से समूह में आते हैं ये लोग क्वेश्चन नंबर बताना क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट और पंख किस जगत में सम्मिलित हैं इनमें से कौन सा जगत है जिनमें ये चारों के चारों पांचों पाए जाते हैं उस जगत का नाम क्या है मोनेरा प्रोटेस्टा कवक एनिमेलिया प्रोटेस्टा समूह कहते हैं बेटा उसे जिनमें ये सब पाए जाते हैं उन्हें अपन प्रोटेस्टा समूह कहते हैं क्राइसोफाइट्स यूगलेनोइड डाइनोफ्लेजलेट और अवंक अवपंक कवक जिस जगत में आते हैं उसका नाम है प्रोटेस्टा अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर 67 पे जनाब सिक्सटी सेवन नंबर का प्रश्न वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी उतक से संयोजी होने में सहायता प्रदान करता है कुछ ऐसी संरचनाएं भी होती हैं जो जीवाणुओं को चट्टानों से या फिर किसी जीव से चिपकने में मदद करते हैं उस संरचना का नाम क्या होता क्या है बेटा क्या मूलाभाष कहते हैं उसको या फिर उसे झालर कहते हैं फिमरी या फिर मीजोजोम कहते हैं या फिर उसे होल्ड फास्ट कहते हैं वो कौन सी संरचना है जो किसी जीव को किसी सतह से जोड़ के रखने के लिए जिम्मेदार होती है किसी सतह से जोड़ के रखने के लिए जिम्मेदार होती है वो कौन सी संरचना है क्या कहते हैं आपके हिसाब से इसमें ठीक है परफेक्ट आंसर होगा बी बेटा जी यस झालर इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन झालर ही इसका सबसे सही जवाब हो सकता है क्वेश्चन नंबर आता है सिक्सटी एट नंबर का अड़सठवें नंबर का सवाल गतिमान जीवाणु यानी मोटाइल जीवाणु जो जीवाणु एक जगह से दूसरी जगह पर गतिशीलता करता है उस गतिशीलता वाली जगह पर किसके द्वारा गति कर सकते हैं फिम्बरी कशाबिका पक्षमाभ या पिल्ली किसके द्वारा हम ये कार्यक्रम करवा सकते हैं ये बताइए किसके द्वारा हम ये कार्यक्रम करवा सकते हैं कौन है जो इस काम में मदद कर सकता है बताइए कौन है जो इनमें से मदद कर सकता है क्या आंसर आपके हिसाब से हो सकता है जल्दी जल्दी बताना यहां पर फटाफट बताइए क्या आंसर होगा किसके द्वारा करेगा फिम्बरी कशाबिका पिलाई या पक्षमाब भाई जिसे अपन कहते हैं फ्लैजिला जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला और फ्लैजिला जो है वो कशाबिका को ही कहा जाता है पक्षमाप मतलब होता है शिलिया कशाबिका ये जो है आंसर होगा ये जो है हमेशा याद रखना ये बैक्टीरिया को गति करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये आवश्यक है ये हमारा जनाब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी अगर आपको वीडियो बायोलॉजी या इससे संबंधित कोई भी वीडियो पसंद आए या देखना है या पढ़ना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा चाहे बात क्लास इलेवंथ की हो चाहे बात क्लास ट्वेल्थ की हो या फिर नीट की हो आपको कंप्लीट बायोलॉजी इस चैनल पे मिलती रहेगी इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारी जानकारी साल भर मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहें आपको हमसे जुड़ी हुई कोई भी सेमिनार कोई भी लाइव वेबिनार या फिर हमसे जुड़ा हुआ कोई भी इंटरेक्शन हमारी सुविधा सुख सारी बातें जानकारी आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी जिसका नाम है योगेश्वर बायोलॉजी आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कौन सा नंबर 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 का 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 क्वेश्चन 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 हुआ था अब अब हम आगे बेटा जी 69 का सवाल और अब मैं आपसे कोशिकाओं के ऊपर पूछूंगा बताइए एक कोशिका है जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है वो कौन सी जगह पर बनता है आपस में बातें नहीं हमसे बताना है सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक तो जरूर करना वीडियो को भाई ठीक है अपने सभी दोस्तों को बताना सभी लोगों को शेयर करना मजा आएगा और ये वीडियो जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए लोगों तक पता चलना चाहिए क्लास इलेवंथ जो है वो भाई हमने तैयारी शुरू कर दी थी और अंत में अब क्लास ट्वेल्थ में आपको पता अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो ना तो आपको क्लास ट्वेल्थ की तो वीडियो मिलेंगी मिलेंगी साथ ही साथ में क्लास इलेवेंथ के वन शॉट भी मिलेंगे तो आपको यह भी मजा बहुत आएगा बताओ ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है गोल्जी बॉडी जालिका परोक्षीजोम. क्या पॉलिजोमी जनता ने बिल्कुल सही जवाब है गोल्जी बॉडी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोल्जी बॉडी इसका सही जवाब है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल गोलजी सॉरी ग्लाइको ग्लाइकोल है अब आ गए क्वेश्चन नंबर सेवनटी पे बेटा सत्तरवे नंबर का सवाल बताओ राइबोजोम युक्त आरएनए का जैव संश्लेषण कहां होता है राइबोसोम युक्त आरएनए का संश्लेषण यह एक पार्ट है जिसको अपन आरआरएनए कहते हैं जिसे अपन आरआरएनए कहते हैं यह कहां पर बनता है राइबोसोम में गोल्जी बॉडी में माइक्रोबॉडीज में या केंद्रिका में यह कौन सी जगह होगी जहां पर आपका आरआरएनए का निर्माण होगा राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होगा वो कौन सी जगह होगी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कौन सा होता है इट्स हार्ट अटैक ये सब ले चुके हैं बस आपकी बात बाकी है देखो मैंने पहले ही कहा था कि सौ लोगों का जो बैच है वो ऑलरेडी हो चुका है उसमें पांच सौ रुपए तुम्हें ऑफ मिल सकते थे तुमने नहीं लिया फिर भी अब ले लो अभी भी कल तक का समय है ठीक है बहुत ऑफ मिल रहा है अदरवाइज फिर रेट बढ़ेगा फिर तुम्हें दिक्कत होगी तो इसलिए बेटा एक ले लो एक लिमिटेड अमाउंट में जरूरी है बताओ भाई कहां केंद्रिका में राइबोजोमल आरएनए बेटा जी हमेशा याद रखना केंद्रिका में बनता है आर आर एन ए हमेशा केंद्रिका में बनता है न्यूक्लियोलस में ना कि राइबोजोम में। उसका नाम राइबोजोम है इसका मतलब यह नहीं कि वो बनेगा बनेगा सही आंसर डी केंद्रिका में ठीक है केंद्रिका केंद्रिका में केंद्रिका सही जवाब होगा अब आ गए इकहत्तरवे नंबर का सवाल प्लूरो न्यूमोनिया जैसे जीवों का आकार क्या होता है प्लूरो न्यूमोनिया एक जीव होते हैं पीपीएल ठीक है पी -पी ठीके? उनका आकृति कितनी होती है भाई क्या जीरो पॉइंट पॉइंट टू जीरो होता है टेन टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर होता है या जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर होता है कितने माइक्रोमीटर आखिर होता होगा एक प्ल्यूरोन्यूमोनिया जैसे जीवों का आकार कितना होता होगा प्ल्यूरोन्यूमोनिया जैसे जीवों का आकार कितना होता होगा आपके हिसाब से बताइए रो पॉइंट जीरो टू माइक्रोमीटर वन टू टू माइक्रोमीटर टेन टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर क्या कहती है जनता इस प्रश्न के बारे में सही जवाब होगा बेटा जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर ठीक है जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर तुम सिर्फ तुक्का मार रहे हो फिर अट्ठाइस परसेंट बच्चों ने सही कहा है और वो सही भी है बिल्कुल सही है ठीक है बेटा वीडियो खत्म होने से पहले मुझे इस वीडियो पे सात सौ लाइक चाहिए तीस लाइक बचे हुए फटाफट फटाफट मुझे मारो ठीक है यहां पर हमें लगभग लगभग नब्बे क्वेश्चन करने हैं और नब्बे क्वेश्चन करने से पहले मुझे इसमें सात सौ लाइक करवा के जाना ठीक है अब हम आ गए बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू पेवेंटी टू बताना चिकनी जालिका का क्या काम होता है खुरदुरी खुर्दूरी जालिका का, का काम क्या होता है गोल्जी बॉडी का, का काम क्या होता है तारक केंद्र का क्या का काम होता है क्या काम होता है इन सभी संरचनाओं का बताना चिकनी अंतरप्रदवी जालिका मैं आपको बता दूं बेटा ये लिपिड का संश्लेषण करता है खुरदुरी वाला प्रोटीन का संश्लेषण करता है जी बॉडी ग्लाइकोलिस ही बनाता है और तारक केंद्र जो है वो तरकु तंतु का ही निर्माण करता है तो ए का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड और डी का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ दैट्स आंसर हो जाएगा बेटा ए आंसर हो जाएगा ए सही है बिल्कुल सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम पहुंचा देते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अब बताओ कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी ओमने ई सेलूला एक कथन था मतलब टारगेट देना चाहिए था मुझे वीडियो अब 750 तक की कोशिश करो यार ये तो मैंने बहुत छोटा टारगेट दे दिया बच्चों को मैंने बड़ा लाइटली ले रखा था बहुत लाइट ले रखा था मैंने कर कोई बात नहीं अब मैं लाइट नहीं लूंगा आप लोगों को आई एम सॉरी मैंने आपको कमजोर समझा आप उसे सात सौ सौ भी पहुंचा सकते हैं तो ओम ने सला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी रुडोल्फ साहब ने थियोडर स्लाइडन साहब ने या एरिस्टोटल की थी सबसे पहली बार सबसे पहली बार कि सेलुला कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही उत्पन्न होती है यह बात बताई थी रुडोल्फ विरचौ साहब ने किसने बताई थी रुडोल्फ विचौ बिल्कुल सही जवाब है रुडोल्फ बिर बिल्कुल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई थी ठीक है चलिए अब हम आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 74 पे कमेंट सेक्शन पे रोर करके बताइएगा मुझे एक बार चिल्लाकर मजा आ रहा है ना पढ़ाई करके 74 क्वेश्चन बना चुके हो क्लास इलेवंथ के और ये नीट के भी प्रश्न साथ में होते जा रहे हैं तुम्हारे तो एक गजब की क्लास हो रही है तुम्हारे लिए और एकदम मतलब अपने अंतिम दम तक तुम्हें कोशिश कर रहा हूं कि जितना देर हो सके वो क्लास हो ही जाए पूरी ठीक है एकदम मतलब समझ लो कि अपनी पूरा धक्का लगा रहा हूं पहले क्वेश्चन से लेकर अब ये अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको और पूरे क्वेश्चन पे तुम्हें एकदम धक्का दिए जा रहा हूं कि हो 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 जाए 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 बच्चों को एक पूरा सेशन आज कंप्लीट कर ही दू मैं बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है मतलब वो कौन सी संरचना है जो अंगक के भीतर अंगक है जो अंगक के भीतर अंगक है वो कौन सी संरचना है भाई बताओ अंगक के भीतर अंगक वो कौन सी संरचना है जो कोशिका के अंदर वो बताओ राइबोजोम क्या है 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 क्या है, क्या जालिका है, क्या जालिका जो अंगक के अंदर एक और अंगक पाया जाता है वो कौन सा रचना है राइबोजोम बिल्कुल सही जवाब है राइबोजोम इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का सही जवाब है कि अंगक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है गोल्जी बॉडी सॉरी आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है तो सही जवाब होगा ए अगला प्रश्न हमारे पास में बेटा की क्वेश्चन नंबर आ गया सेवेंटी फाइव पचहत्तरवे नंबर का सवाल निम्न कोशिकांगों के युग में किसमें डीएनए नहीं होता है आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वो संरचना है जिसमें डीएनए नहीं होता है जिसमें डीएनए नहीं होता है वो कौन सा है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल होता है हां लयन काय में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट में होता है राजधानी में नहीं होता इसमें एक में हो गया है लयन काय रसधानी इन दोनों में नहीं होता आंसर हो जाएगा सी ये वो दोनों संरचनाएं हैं जिसमें दोनों में नहीं पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा सी लयन काय और रसधानी ये दोनों संरचनाएं हैं जिनके पास कभी भी डीएनए नहीं होता असल में डीएनए सिर्फ दो लोगों के पास में होता है क्लोरोप्लास्ट और सूत्रकणिका ये दो माइटोकॉन्ड्रिया और शूत्रकणिका ये वो दो संरचनाएं हैं जिनके पास ये चीज प्रेजेंट होती है अब हम आ रहे हैं जनाब यहां पर क्वेश्चन नंबर की तरफ में निम्न में निम्न से से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी आप बताओ मुझे इनमें से कौन सा वो कोशिकांग है अब ये बेटा ये नीट 2017 का प्रश्न है आपको लगेगा कि ये बहुत आसान प्रश्न मैंने पूछ दिया है लेकिन ये दो नीट 2017 में पूछा गया है तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और यह प्रश्न आपसे बन रहे हैं मतलब आपने ठीक पढ़ाई की हुई है तो बताओ कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के उत्तरदायी लयन का राइबोजोम हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कौन बनवा सकता है कौन है पावर हाउस ऑफ सेल कौन है पावर हाउस ऑफ सेल जो हमारे शरीर का पावर हाउस है वो कौन सी कोशिका है उस कोशिका का नाम क्या है यह है माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब है तो आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया है, डी आंसर ही बनेगा अब हमारे पास में आता है बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन यह प्रश्न हमारे सामने है किस कोशिकी अंगक में जल अवघटनी एंजाइम होता है चार ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं और इन चार ऑप्शंस में बताओ कि किसके पास जल अवघनी एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो वाटर को ब्रेक करके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जाना जाता है वो कौन सी एंजाइम है क्या है मध्यकाय काय मीजोजोम में माइट्रो होता है क्या कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लयन यानी लाइसोजोम में होता है क्या राइबोजोम में होता है क्या या सूक्ष्म काय यानी माइक्रोबॉडीज में होता है किधर होता है भाई आपका जल अपघटनी एंजाइम जल अपघटनी एंजाइम राइबोसोम में कभी नहीं हो सकता सूक्ष्म काय में कभी नहीं हो सकता मध्य काय में कुछ मात्रा में हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा होता है लाइसोसोम में इसलिए हमारे शरीर के सबसे ज्यादा पाचन के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है लयन काय था ना। था ना। ना। था ना। था ना। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाचन के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है बेटा लयन काय तो परफेक्ट आंसर बनेगा बी लयन काय अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ में बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कोशिका झिल्ली से घिरा होता है इनमें से वो कौन सा कोशिकांग है दो चार जिसमें केवल एक मेंब्रेन होता है बाकी कुछ में डबल होगा या किसी में नहीं भी होगा ऐसा भी ऑप्शन होगा हरित लवक में हमेशा दोहरा मेम्ब्रेन होगा कि सिंगल मेंब्रेन होगा यन काय में एक मेंब्रेन होगा या दो मेंब्रेन होगा केंद्रक में एक मेंब्रेन होगा या दो मेंब्रेन होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेंब्रेन होगा या दो मेंब्रेन होगा क्या लगता है आपके हिसाब से किसके पास एक मेंब्रेन ही बस होगा इनमें से किसके पास केवल एक मेंब्रेन ही होगा दो मेंब्रेन नहीं होगा यह आंसर है लयन काय माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेंब्रेन बाउंड ऑर्गेज है केंद्रक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनीज है हरित लवक डबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड है डबल मेंउंडलबीज अगर कोई नहीं है तो वो है आपका लयन काय तो आंसर इसे बी मान सकते हैं अब आ गया बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं इनमें से कौन है जिनके पास झिल्ली पाया ही नहीं जाएगा इनमें से कौन है जिनके पास झिल्ली पाया ही नहीं जाएगा जिनमें झिल्ली होता ही नहीं रसधानियों में नहीं होता क्या राइबोजोम में नहीं होता क्या लाइसोजोम में नहीं होता क्या या मीजोजोम में नहीं होता कौन सी वो जगह है जहां पर झिल्ली मतलब कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगा विदाउट मेंब्रेन है वो वो बताओ रसधानिया राइबोजोम लाइसोसोम या मीजोजोम कौन है इनमें से जिनके पास झिल्ली पाई ही नहीं जाएगी वैक्यूल्स में होगी लाइसोसोम में भी होगी में भी होगी अगर किसी में नहीं होगी तो वो राइबोजो में मेम्ब्रेन बाउंड राइबोम नहीं है झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है तो इसलिए सही जवाब जो बनेगा बनेगा वो बेटा बी राजधानियों में होता है जनाब 33 परसेंट बच्चे जो कह रहे हैं वो होता है ठीक है राजधानियों में होता है लाइसोजोम में भी होता है मीजोजोम में भी होता है राइबोजोम में नहीं होता तो आंसर हो जाएगा बी ठीक है अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आ गए बेटा 80 नंबर पे 80 नंबर का सवाल है झिल्ली युक्त कोशिकांग आप बताओ इनमें से कौन सा कोशिकांग का जो समूह है जिनमें सभी के पास झिल्ली पाई जाती है कोई भी विदाउट झिल्ली कोशिकांग है ही नहीं इनमें से ये चार पांच ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं इनमें से कौन ऐसा है जिनके पास सभी के पास झिल्ली पाई ही जाएगी ऐसा कोई नहीं जिनके पास झिल्ली नहीं पाई जाएगी बताओ केंद्रक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है केंद्रक में होता है पर राइबोसोम में नहीं होता है गुड़सूत्र इसमें होता है इन दोनों में नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम और केंद्रक इसमें राइबोसोम में नहीं होता लाइसोसोम गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी में होता है तो आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर एट्टी का डी आंसर बन जाएगा अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर आगे निम्नलिखित युग्मकों में से सही सुमेलन को चुनिए आपके पास चार ऑप्शन है से सबसे सही सुमेलित कौन सा हो रहा है सबसे सही मैच कौन सा हो रहा है आपको यह जवाब बताना है कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण करता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है या खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वशी अम्ल का ऑक्सीकरण करता है सही सुमेलन सही मैच जो खा रहा है उसके बारे में बताओ बताओ सबसे सही ऑप्शन इनमें से क्या हो सकता है तो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है ऑप्शन बन जाएगा अब हम आ रहे हैं बेटा जी यहां पर क्वेश्चन नंबर 82 के पास में 82 क्या होगा जीवाणुओं में सूत्र कणिका का, का कार्य कौन निभाता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होगा तो ऊर्जा बनाने का काम यह सब काम कौन करेगा एटीपी बनाने का काम कौन करेगा केंद्रक암 यानी न्यूक्लियोइड या फिर राइबोसोम करेगा या फिर कोशिका भित्ति करेगी या फिर मध्यकाय करेगा कौन है जो वही काम करेगा जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है तो उनके पास वैसी संरचना कौन सी होगी जिसके पास हम ऐसा काम करवाएंगे वो आंसर कौन सा होगा बताइए <laughs> वो कौन सा कार्य होगा बिल्कुल सही जवाब तो नहीं दे रहे हो लेकिन डी ऑप्शन ज्यादा सही होगा वो मध्यकाय काय वो संरचना है जिसके पास में ऐसा होता है ठीक है तो ये प्रश्न है बेटा अब इसके अलावा बाकी कुछ और प्रश्न भी है जिसे तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना ठीक है ये हो गया यहाँ पर नब्बे क्वेश्चन करीब मैंने डाल रखे थे आप इनको बनाओगे मजा आएगा पढ़ के खूब ज्यादा कोशिश करना तुमसे सारी चीजें बन जाएगी मैं फिर से एक बार बता दू बेटा उम्मीद बैच लॉन्च की गई है आपकी सफलता को लेकर ये सारी मैराथन आपको इसलिए दी जा रही ताकि आप इलेवेंथ में बहुत अच्छा कर पाए और ट्वेल्थ में और भी स्टार्ट आप बहुत अच्छे से कर पाएं ये बैच जिसमें वो सारे फीचर्स है जो आपको इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों में बहुत मदद करेंगे इसके अलावा ये बैच आपको मिल रही है मात्र चार हजार में उम्मीद बैच इस बैच का नाम है और ऑफर आपको मिल रहा है मात्र सत्रह तारीख तक ठीक है जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो पर आप कॉल करिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और इससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इस चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी ताकि आपको वो सारी वीडियो सारी नोटिफिकेशन सारी चीजें मिलती रहें। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो योगेश सर बायोलॉजी इस चैनल का नाम है जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें जरूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने और ये एट्टी नाइन क्वेश्चन जो टोटल मैंने आपको दिए दो चार खुद से ही बनाना पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को इन क्वेश्चन को बनाकर आप इलेवेंथ और नीट की बहुत गजब तैयारी कर सकते हैं थैंक यू सो मच अपना बहुत ध्यान रखना फर्स्ट डे है बहुत मजा आया आपको पढ़ाकर अपना बहुत ध्यान रखना लव यू ऑल गुड नाइट बाय बाय